सप्तम ईडी पांडे मेमोरियल लेक्चर में आज इस व्याख्यान को देने के लिए हमारे साथ सुनीता नारायण दिल्ली से आई हैं। कार्यक्रम को शुरू करने के पहले जैसे परंपरा यहाँ दीप प्रज्वलन बॉडी के सदस्य हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो डॉक्टर सुनीता नारायण का परिचय दे। डॉक्टर ललित पांडे तथा उपस्थित सभी अल्मोड़ा के प्रतिष्ठित नागरिकगण, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे श्री वी डी पांडे स्मृति व्याख्यान के उपलक्ष्य में यहाँ सभागार में अध्यक्षता करने का मौका दिया गया है। मैं बहुत आभारी हूँ उत्तराखंड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान का और डॉक्टर सुनीता नारायण का। अभी डॉक्टर सुनीता नारायण ने कहा कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर मैं उनको डॉक्टर ही कहूँगा क्योंकि अच्छा लगता है तीन डॉक्टर यहाँ बैठे हैं और हम सब रोगी हैं। तो उनका परिचय देने के लिए उसे आग्रह किया गया। आप सब लोग मेरे ख्याल से सुनीता नारायण जी से परिचित ही होंगे क्योंकि उनके काम से उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में देश में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है और करती जा रही है। दिल्ली की एक प्रतिष्ठित संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की आप महानिदेशक हैं और उस संस्था से 80 के प्रारंभ से ही जुड़ी हुई है। जैसा कि शायद आप लोगों में से कई लोग जानते हैं, संस्था डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने शुरू की थी। डॉक्टर अनिल अग्रवाल इस देश के चुने हुए उन साइंटिस्ट में से थे जिन्होंने पर्यावरण और विकास को लेकर एक बहुत सार्थक बहस प्रारंभ की, जो आज डॉक्टर सुनीता नारायण इसी संस्था के माध्यम से आगे बढ़ा रही है। इस संस्था का सबसे बड़ा योगदान ये रहा है कि उन्होंने पर्यावरण और विकास को कभी भी विरोधाभासी नहीं माना है। हमेशा ये माना है कि पर्यावरण और विकास एक साथ चलकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जब तक ये एक तरह से किसी भी गाड़ी के दो पहिए हैं, अलग अलग नहीं जा सकते, एक साथ इनको रहना पड़ेगा। और इसमें लोगों की भागीदारी, सामान्य जन की भागीदारी बहुत आवश्यक है। बिना सामान्य जन के भागीदारी के न तो पर्यावरण की रक्षा हो सकती है और न ही सही विकास हो सकता है। ये एक सोच जो यहाँ से उभरी हुई है, जो एक प्रथम सिटीजन्स रिपोर्ट ऑन स्टेटस ऑफ एनवायरनमेंट आई, जिसकी
लेखिका सुनीता नारायण थी, अनिल अग्रवाल जी के साथ, वो एक मेरे ख्याल से पर्यावरण के चिंतन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुई। उसके बाद से फिर कई लोगों ने इस तरह की बातें करनी शुरू की। तो ये आपका एक बहुत बड़ा योगदान है, कई और योगदान हैं आपके जो मैं बहुत ज़्यादा लंबी चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, बहुत लंबा उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ, केवल दो चार बातों की तरफ आप लोगों का इशारा मैं खींचना चाहता हूँ, ध्यान खींचना चाहता हूँ। एक तो दिल्ली में कुछ वर्ष पहले वायु प्रदूषण का एक बहुत बड़ी समस्या उभर के आई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहल की और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और डॉक्टर सुनीता नारायण ने जो सीएनजी को महत्व दिया, उससे दिल्ली में जितने भी सार्वजनिक वाहन थे, चाहे वो बसेस थी, टैक्सी थे, ऑटो रिक्शा थे, उनका धीरे धीरे सीएनजी में परिवर्तन हुआ और उससे कम से कम प्रारंभ के वर्षों में वायु प्रदूषण में बहुत असर पड़ा। आज फिर वो समस्या वायु प्रदूषण की उभर के आ रही है, उसके अनेक अन्य कारण भी हैं, लेकिन जो एक सीएनजी की पहल हुई है, केवल दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली से फिर अन्य बड़े देशों में भी वो फैली है और हम चाहते हैं कि ये और जगह भी इसका प्रभाव पड़े। दूसरी चीज, कई वर्ष पहले ये पाया गया कि जो एक टाइगर रिजर्व सरिस्का राजस्थान में था, उसमें बाघ तो लुप्त हो गए, उससे बहुत बड़ी चिंता बनी और फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक टाइगर फोर्स की का गठन किया, जिसकी अध्यक्ष डॉक्टर सुनीता नारायण को बनाया गया। उन्होंने फिर इस बात का अध्ययन किया और जो रिपोर्ट दी उसमें साफ शब्दों में ये कहा कि टाइगर के कंजर्वेशन के लिए लोगों के साथ मिलके ही काम करना होगा, उनको इसके विरोध में नहीं देखना होगा। ये अभी भी पूरी तरह ये कार्य में नहीं आया है, लेकिन जो सोच है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आज मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की कई लोग बात करते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट तभी पैदा होता है जब मनुष्य इनके हैबिटेट में हस्तक्षेप करने लगता है, और वो तभी संभव होगा जब उन लोगों को हम पूरी तरह अपने साथ लेके चलेंगे जो कि जंगलों पर इन हैबिटेट्स पर निर्भर हैं। ये आपकी एक बहुत बड़ी। तीसरी, आपने जल संरक्षण के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है और करती आ रही है। और चौथी और अंतिम बात जो मैं कहूँगा आपके जो योगदान के विषय में, वो आज के संदर्भ में जो एक सबसे बड़ी समस्या विश्व के सामने है वो जलवायु परिवर्तन की, क्लाइमेट चेंज की जो बात करेंगे, आप क्लाइमेट चेंज पर आपने काफ़ी महत्वपूर्ण खोज की है, रिसर्च की है, और उससे जो प्रभाव पड़ रहे हैं और किस तरह से उससे उभरा जाए, किस तरह से हम उसके साथ अडेप्टेशन कर सकें, ये एक समस्याएं हम लोगों के सामने आ रही हैं। और आपने तो ये कई तरह के काम हैं, और जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जिसकी नींव डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने रखी थी, उसको एक भव्य इमारत के रूप में परिवर्तित करने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस सब के चलते हुए आपको स्वतः ही कई जगह से आपके पुरस्कार मिले हैं, लोगों ने सराहा है, पद्म भूषण पद्मश्री से नवाजा गया है, आपको वर्ल्ड वाटर प्राइज मिला है, और स्वीडन की एक संस्था ने 2008-09 में जलवायु परिवर्तन और विकास पर स्वीडन की सरकार के उच्च स्तरीय आयोग में बतौर सदस्य भूमिका निभाई है। ये मेरे ख्याल से हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज इस व्याख्यान के लिए आपको आमंत्रित किया गया है, और जो विषय आपके
सामने रखेंगी, वो हमारे लिए उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में उनका विशेष महत्व है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण और विकास दोनों यहाँ की आवश्यकताएं हैं और उनमें तालमेल कैसे बिठाया जाए ये हमारे सामने एक बड़ा मुद्दा है। मैं आप लोगों से और अधिक न कह के आप लोगों से आगे चाहता हूँ और डॉक्टर सुनीता नारायण का ताली बजा के स्वागत करूँगा। धन्यवाद डॉक्टर सुनीता नारायण जी, धन्यवाद ललित। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैं आ पाई, बहुत दिनों से मन था। जब मैंने अपनी काम की शुरुआत करी थी तो अनिल के साथ उन दिनों में बहुत गोपेश्वर, चमोली और अल्मोड़ा भी आई थी और उसके बाद कहीं हमारे रास्ते अलग ही हो गए और मैं आ नहीं पाई। तो आज कल ललित के साथ थोड़ा देख के समझ के भी बहुत अच्छा लगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्री बी डी पांडे जी को तो नहीं अच्छी तरह से जानती थी, मगर मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आ पाई, क्योंकि मैं ललित को तो जानती हूँ और अब अनुराधा को भी जानती हूँ और मुझे लगता है जो सेवा निधि का काम रहा है बहुत बहुत ज़रूरी काम है इस देश का, क्योंकि इस देश में जो सबसे बड़ी चुनौती है हमारे सामने वो है आज की हम किसी तरह से लोगों की सोच बदलें, और सोच बदलने का काम वो शिक्षा से ही होगा, मगर शिक्षा ऐसी चाहिए जो एक तरह से वैल्यूज देगी मगर दूसरी तरफ से जो हमारा परिवेश है उसकी जो सच्चाई है वो लोगों तक लाएगी, बच्चों तक लाएगी। और मुझे लगता है आप लोगों का काम जो रहा है कि किसी तरह से स्कूल के अंदर वो सच्चाई लोगों बच्चों तक जाए, बहुत बड़ा काम है। इसको कभी सोच छोटा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर सबसे बड़ी आज की जो जैसे मैंने कहा चुनौती है कि हमें किसी तरह से सोचना पड़ेगा कि हम कौन सा रास्ता अपनाएं, क्या रास्ता हमारे लिए सही है। और यही पूरी दुनिया में आज बात हो रही है, मगर हमारी बात हमारे देश में जब विकास की बात होती है, जब पर्यावरण की बात होती है, वो हम बहुत हद तक जो विकसित देशों में जो सोच रही है पर्यावरण के बारे में उसको खींच के लेके आते हैं और हम समझते हैं कि हम अपने देश में उसको लागू कर पाएंगे। मगर अगर आप देखें 20-30 साल का जो आज एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है इस देश का, आज जो पर्यावरण का सवाल है वो बहुत हद तक हम लड़ाई खो रहे हैं, हम लड़ाई जीत नहीं रहे हैं पर्यावरण की। और हम मैं समझती हूँ हम लड़ाई इसलिए हार रहे हैं क्योंकि हम आज भी नहीं समझ पाएंगे कि पर्यावरण का जो सवाल है वो जैसे जोशी जी ने कहा विकास से जोड़ के हम आगे कैसे बढ़ाएं, हम लोगों से जोड़ के आगे कैसे बढ़ाएं। आज भी पर्यावरण का जो सवाल है वो विकास और पर्यावरण के बीच में कहीं हम उसको खोते जा रहे हैं। और इसीलिए मैं बार बार दिल्ली में जब सोचती हूँ, लिखती हूँ, बात करती हूँ, तो मैं आज यही कहती हूँ कि देखिए दो मेल के पर्यावरण की सोच रही है, एक जो विकसित देशों से आई है, जो अमीर देशों से आई है, जिसको मैं अंग्रेजी में कहती हूँ मिडिल क्लास एनवायरमेंटलिज्म। एक मिडिल क्लास एनवायरमेंटलिज्म की जो सोच है वो है कि हम चीज़ों को बिगाड़ते जाएँ और जैसे बिगाड़ते जाएं उसको सही करते जाएं। और उस सोच के अंदर अगर आप देखें पूरी दुनिया आज पीछे ही रहती है, पकड़ती रहती है, मगर कहीं ना कहीं उससे जो उसका लक्ष्य है वो दूर होता जाता है। मगर इसको मैं और समझाऊंगी जो मैं मेरे दिमाग में बात है, मगर अगर आप इसको एक दफे पकड़ के रखें इस आइडिया को कि मैं कहती हूँ इसको मिडिल क्लास एनवायरमेंटलिज्म, और दूसरी तरफ से है वो एनवायरमेंटलिज्म ऑफ द पुअर, एनवायरमेंटलिज्म जो गरीब का एनवायरमेंटलिज्म है, जो किसानों का एनवायरमेंटलिज्म है, जो आदिवासियों का एनवायरमेंटलिज्म है, जो लोगों का एनवायरमेंटलिज्म है। और उस सोच के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो कहीं ना कहीं हम
अपने पर्यावरण को बचा सकोगे। नहीं तो कल जैसे मैंने अल्मोड़ा शहर के अंदर देखा, आप दिल्ली से बहुत दूर नहीं है, आपके भी शहर के अंदर उतना ही कचरा, उतना ही कूड़ा, उतना ही प्लास्टिक, और मेरी हवा, मेरी जो नाक है, मैं कहती हूँ ये आज सैनिटरी इंस्पेक्टर की नाक है। आप मेरे ऊपर ब्लाइंड फ्लोर लगा दीजिए, मैं आपको बता सकती हूँ कितना डीजल है हवा के अंदर, कितना केरोसिन है और कितना पेट्रोल है, और आपकी हवा कोई साफ नहीं है। आपकी हवा इसलिए साफ है क्योंकि कुदरत ने आपको इतना बड़ा विरासत दी है, मगर आप बहुत दूर नहीं है कि आप भी उतनी बुरी हालत में होंगे जितनी दिल्ली होगी। तो मुझे लगता है कि ये सब सोच के अगर हम लोग आगे बढ़ें तो पर्यावरण को किसी तरह से हम चकोड़ सकेंगे। आज आप देखें सबसे बड़ी दुनिया की जो फिक्र है वो है क्लाइमेट चेंज। आपने जलवायु परिवर्तन की बात करी, जलवायु परिवर्तन के कारण मुझे आपको लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है आपके आसपास। आज जब वर्षा आती है तो इतनी जोर की आती है कि उससे उत्तराखंड का फ्लड हो जाता है, उससे चेन्नई में फ्लड हो जाता है, उसके कारण जो दिल्ली के अंदर जिस दिन वर्षा होती है हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि हमारे यहाँ पानी भर जाता है। जब सर्दी पड़ती है तो बहुत भीषण सर्दी पड़ती है, नहीं तो सर्दी पड़ती ही नहीं। अगर आप पिछले साल देखें तो किसानों की इतनी बुरी हालत हुई है क्योंकि जहाँ वर्षा नहीं पड़नी चाहिए और जब वर्षा नहीं पड़नी चाहिए वर्षा पड़ी है। आप दिल्ली से बहुत दूर नहीं है, मेवात का इलाका है, नू का इलाका है, वहाँ पर मैं पिछले साल गई। वहाँ पर अगर आप किसानों से बात करिए आपको समझ में आएगा कि किस तरह से जो क्लाइमेट चेंज का जो आज प्रभाव है वो लोगों की जिंदगी में असर पड़ रहा है। किसानों ने मुझे बताया 3 साल से ऐसा हो रहा है कि बेमौसम की वर्षा पड़ रही है, तो और अप्रैल के अंदर ओले पड़ते हैं जब फसल बिल्कुल खड़ी होती है। आपने मेहनत करके फसल खड़ी करी, आपने कर्जा लिया, आपने इतनी कोशिश करी और फसल खड़ी हुई और आपके सामने रात को ओले पड़ते हैं और फसल खत्म। फिर किसान मेहनत करता है, फिर बहुत कसरत करके किसी तरह से पैसा जोड़ के फिर फसल लगाता है, और उसके बाद जब मैं गई उन्होंने मुझे दिखाया कि सितंबर के महीने में उनकी फसल पूरी तरह से खड़ी थी। सितंबर के महीने में वहाँ पर 400 मिलीमीटर वर्षा पड़ी 8 घंटे में, जहाँ पूरे साल में 500 मिलीमीटर वर्षा पड़ती है। आप सोच लीजिए पूरे खेत पे खेत खत्म, सब जगह पानी पानी, सब जगह प्रलय। वो किसान आज भी कुछ नहीं मांगता सरकार से। उस किसान ने आज भी ये कहा चलिए कुछ ना कुछ और इकट्ठा करेंगे, कैस्टर की फार्मिंग करेंगे, कोई और तरीका ढूंढेंगे, मगर ये बढ़ता जा रहा है हमारे देश में। जो आज एग्रेरियन क्राइसिस है, आज आप सोच लीजिए कि जो सबसे अमीर किसान है वो चाह रहा है कि उसको बैकवर्ड डिक्लेयर किया जाए सरकार से। आज पटेल हो या आपका जाट हो, वो सब ये कह रहा है कि मुझे बैकवर्ड आप कहिए, क्योंकि किसान की जो सबसे बुरी हालत है, मैं मानती हूँ वो एक तरफ से सरकार की जो दुर्बल नीति रही है उसके कारण तो हुआ है किसान की बुरी हालत, मगर दूसरी तरफ जो मौसम का जो प्रलय है वो इतना बढ़ता जा रहा है, और जो किसान के कारण आज जलवायु परिवर्तन नहीं हुआ, गरीब के कारण जलवायु परिवर्तन नहीं हुआ, मगर वो उसके सबसे बड़े विक्टिम हैं। तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है और बढ़ता जाएगा, ये आप मान के चलिए। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जब जलवायु परिवर्तन का जो असर आएगा वो ये आपको पता चलेगा कि मौसम ज्यादा इराटिक हो जाएगा, मॉनसून ज्यादा अनसीजनल हो जाएगा। और मैं बार बार यही कहती हूँ कि अभी पहले चिदंबरम जी और आज जेटली जी, ये इस देश की वित्त मंत्री नहीं है। इस देश का खाली एक वित्त मंत्री है, वो है मॉनसून।
और आप ये सोच लीजिए कि अगर उसी वित्त मंत्री को बुखार चढ़ता है तो इस देश की क्या हालत होगी, वो आज आप देख रहे हैं। तो इस सवाल को आप नकारिए मत, इस सवाल को ये मत सोचिए कि ये कभी होने वाला है, ये हो रहा है और ये हम देख रहे हैं और हमारी जेनरेशन देख रही है और इसलिए देख रही है क्योंकि जो विकास पूरी दुनिया में हुआ है उस विकास के कारण आज जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ये मान के चलिए, हम जानते हैं कि विकास के लिए आज जो फ्यूल ईंधन इस्तेमाल होता है उस ईंधन के कारण जो प्रदूषण होता है उसी से जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया में हुआ है। हम ये भी जानते हैं कि जो देश, कुछ चुने हुए देश हैं, विकसित देश हैं, उनका जो रहन सहन है, उनका जो विकास है, उनके कारण आज पूरी दुनिया में आज ये स्मेल की स्थिति पैदा हुई है। और हम ये भी जानते हैं, और पिछले साल जब पेरिस की गोष्ठी हुई थी उसके अंदर हमने एक किताब करी थी, हमने उसका टाइटल दिया था कैपिटान अमेरिका, क्योंकि किसी कोई भी ये नहीं देखता है कि क्या अमेरिका जैसे देश में जब वो कह रहे हैं कि वो जलवायु परिवर्तन के बारे में कुछ सोच रहे हैं कि क्या उनका एक्शन प्लान है, उसका क्या मतलब बनता है। और हमारी किताब से एक चीज बिल्कुल स्पष्ट निकली कि उनका जो पूरा एक्शन प्लान है जलवायु परिवर्तन के लिए वो कुछ नहीं है, वो ऐसा बेकार पेपर है कि आप डस्टबिन में भी नहीं देखिए, कोई फायदा नहीं है उसको। और क्यों फायदा नहीं है, क्योंकि, और यही मेरी जो बात थी कि ये मिडिल क्लास एनवायरमेंटलिज्म का तरीका है। मिडिल क्लास एनवायरमेंटलिज्म का जो तरीका होता है वो होता है कि कुछ हम बिगाड़ें फिर कुछ ना कुछ करें उसको सही करने के लिए, और वो सही करते करते हम और बिगाड़ते जाते हैं क्योंकि हम पहले ये नहीं सोचते कि हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो कंजम्पशन है उसको किस तरह से बदलें। वो कभी सोच नहीं आती क्योंकि वो एक टेक्नोक्रेटिक अप्रोच रहती है एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस को ढूंढने की। जो खोज होती है, जो मानसिकता होती है वो होती है कि हाँ ठीक है प्रदूषण है तो टेक्नोलॉजी आएगी उसको साफ कर देगी। आप अगर अमेरिका का सवाल लें तो वहां पर क्योंकि जलवायु प्रदूषण की बात हो रही है, परिवर्तन की बात हो रही है, तो ये बात हुई कि वहाँ की गाड़ियों के कारण बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है। तो उन्होंने कहा हम बहुत कुछ करेंगे, उनके प्रधान, उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनने क्लीन एक्शन प्लान निकाला, उन्होंने कहा हम अब पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि अमेरिका मीन्स बिजनेस। क्या किया उनने, उनने कहा कि हमारी हर गाड़ी ज़्यादा फ्यूल इफिशियंट होगी, बहुत ज़्यादा फ्यूल इफिशियंट होगी, और इससे हम पूरी तरह से जो हमारा प्रदूषण है कम करेंगे और जलवायु प्रदूषण के परिवर्तन के अंदर हम लीडरशिप पाएंगे। मगर जो आंकड़े हैं वो दिखाते हैं कि उनने जरूर अपनी हर गाड़ी का जो फ्यूल इकोनॉमी है उनकी जरूर घट गई, जरूर हर गाड़ी फ्यूल इफिशिएंट हो गई, मगर उसके साथ के साथ जो फ्यूल की प्राइस है वो भी घट गई और उससे लोग आज बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं और ज्यादा लंबा चल रहे हैं। तो जितनी उनने फ्यूल इफिशिएंट गाड़ियां करी उतनी ज्यादा गाड़ियों की संख्या बढ़ी और उतनी ज्यादा माइल्स ट्रैवल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वो होने लगा, तो उससे जो भी प्रदूषण के जो आंकड़े हैं दिखाते हैं कि वो कम नहीं हुए। यही स्थिति मेरे शहर दिल्ली की है। हमने सोचा कि हमने नए स्टैंडर्ड लिए हैं, गाड़ियां नहीं बन गई हैं, अब हम फ्यूल जो हर गाड़ी है उसका जो इमिशन स्टैंडर्ड है बहुत अब हमने स्ट्रिंजेंट कर दिया है, बहुत अब हमारी हवा साफ हो जाएगी। हमारी हवा साफ नहीं हुई, हमारी हवा और भी दूषित हो गई, और भी प्रदूषित हो गई, और आज अगर आप दिल्ली की हवा के अंदर सांस लें तो आप जहर की सांस ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हर गाड़ी हमने साफ करी, हमने 10 और गाड़ियां सड़कें पे, हमारी सड़क पर आ गई, तो आप ये सोच लीजिए आपने हर गाड़ी को 10 गुना साफ किया और 10 गुना गाड़ियां आ गई
तो उसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट तो नेगेटिव होगा ना। तो यही मिडिल क्लास एनवायरमेंटलिज्म जो मैं कहती हूँ, वो मिडिल क्लास एनवायरमेंटलिज्म है। आप इसको गार्बेज का सवाल ले लीजिए, जो आपके यहाँ मुझे कल जो मैं ललित के साथ थोड़ा शहर घूमी थी तो मुझे दिखा था, गार्बेज का सवाल भी यही है कि आप जितना गार्बेज लाएंगे और आप समझते हैं कि कहीं वो गायब हो जाएगा, वो गायब नहीं होने वाला। और यही जो हम लोग बार बार जो हमारी पर्यावरण की जो सोच है, इसी में हमारी कमी है, क्योंकि इस कमी के कारण हम पीछे ही रहते हैं, हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, हम किसी जंग को जीत नहीं पा रहे हैं। और इस सवाल को अगर आप फिर से देखें और आप सोचें, चलिए पिछले 20 साल जो भी हुए हुए, हम लोग 20 साल पहले जाते हैं और उसके बाद आगे जाने की कोशिश करते हैं, हम अपने हिस्ट्री में स्टेप्स रिट्रेस करते हैं, सोच समझ के अब आगे बढ़ेंगे और एक नई दिशा से आगे बढ़ेंगे। तो मैं फिर मैं आपको लेके जाऊंगी चिपको की आंदोलन। जब चिपको का आंदोलन हुआ था तब ये बात हुई थी, तब दो विचारधारा थी इस देश की। आप ये सोच लीजिए कि चिपको का आंदोलन हुआ था 70 के दशक में दो डिस्टिंक्ट विचारधारा थी इस देश के अंदर। एक थी प्रोजेक्ट टाइगर और दूसरा था चिपको। दोनों 70 के दशक में आए, एक बाहर से आया, एक अंदर से हुआ। बाहर से प्रोजेक्ट टाइगर की जो मांग थी, वो तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, IUCN जो संस्था थी उसने सवाल को उठाया। उनने कहा कि देखिए आपके देश में बाघों की संख्या घटती जा रही है, इसको बचाने की बहुत जरूरत है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बहुत पर्यावरणवादी थी, बहुत अच्छी पर्यावरणवादी थी। उन्होंने कहा बिल्कुल रोकना चाहिए, बिल्कुल इसके बारे में कुछ करना चाहिए। उसके कारण पहल हुई, प्रोजेक्ट टाइगर बना, उसके बाद सेंचुरी और नेशनल पार्क बने। और उस पूरी सोच के अंदर ये था कि लोगों को की भागीदारी नहीं होनी चाहिए, मगर हमें जंगल बचाना है और उसके अंदर जो जानवर हैं उनको बचाना है। और कुछ हद तक जो बाहर की जो सोच थी वो थी कि लोगों से जंगल बचाना है, लोगों से जानवर बचाने हैं। क्योंकि अगर आप विकसित देशों को देखें, वहां पर जंगलों को विल्डरनेस कहते हैं। विल्डरनेस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो वाइल्ड होते हैं, वहां पर लोग नहीं रहते, वहां पर जानवर ही रहते हैं। हमारे जंगल हैं हैबिटेट्स, हमारे यहाँ जंगल में जानवर भी रहते हैं, लोग भी रहते हैं, मगर वहां की जो सोच थी वो थी ये विल्डरनेस है, यहाँ से लोगों को कहा इतनी जोरों से नहीं। क्योंकि देखिए जब मैंने प्रोजेक्ट टाइगर के पहले डॉक्यूमेंट पढ़े, उसमें मैं समझती हूँ करण सिंह जी जैसे लोग थे और उनकी सोच थी, वो लोग जानते थे इस देश को। तो अगर आप पहले डॉक्यूमेंट देखें उसके अंदर ये लिखा था कि लोग भी बसे हैं इन इलाकों में, उनके साथ हमें मिलकर कुछ करना पड़ेगा। पेपर में बिल्कुल सही था, मगर तभी भी वो एक सोच थी कि प्रोजेक्ट टाइगर आए और उससे हम जंगल बचाएं, बाघों को बचाएं, और कुछ हद तक ये सोच थी कि लोगों से बाघों को बचाएं, लोगों से जंगल को बचाएं। दूसरी तरफ से सोच आई आप ही के इलाके से चिपको की। अब किस तरह से वो इंटरप्रेट हुई, कुछ हद तक उसका इंटरप्रिटेशन में जरूर गलत थी, मगर मैं जानती हूँ, राधा मैं जानती हैं कि मैं जब उन दिनों आती थी और अनिल से मैंने ये सीख ली, और अनिल की सोच बिल्कुल क्लियर थी। अनिल एक दफे इस सोच के अंदर डगमगाए नहीं थे। उनने बार बार ये कहा कि चिपको का जो आंदोलन है वो जंगल बचाने का आंदोलन नहीं है, वो है लोगों के हक का आंदोलन। वो ऐसा आंदोलन है कि महिला कह रही है कि हमें इस जंगल के ऊपर हक दो, अगर हमें हक मिलेगा हम जंगल काटेंगे नहीं, क्योंकि इस जंगल से हमें सब कुछ मिलता है। तो वो आंदोलन एक पर्यावरणवादी आंदोलन जरूर था, मगर वो इस देश का पर्यावरणवादी आंदोलन था।
जहां लोगों ने कहा कि हमारे हक से ही जंगल बचेंगे, मगर अगर आप देखें पिछले 30 साल में, पिछले 20 साल 30 सालों में हम कहीं ना कहीं, और जोशी जी जब आप कह रहे थे मुझे बहुत लग रहा था कि क्योंकि ये एक लड़ाई है जो मैं समझती हूँ, और मैं बार बार ये सोचती हूँ अगर अनिल होते तो हमें कितने डांटते, कितना डांटते हमें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो एक माइंडसेट की लड़ाई है, जो लड़ाई आइडियोलॉजी की है और जो लड़ाई असूलों की है, वो लड़ाई कहीं हम हार गए हैं। हम पर्यावरण का सवाल जरूर आगे ले जा सके हैं, ये जरूर बात है कि आज सब चिंता करते हैं पर्यावरण के बारे में, और सब चिंता करते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और हमें कुछ करने की जरूरत है, मगर आज भी जो उसका समाधान है वो हम उसी छोटी सोच से निकालते हैं कि हम कूड़ा डालते रहें और उसके ऊपर झाड़ू लगाते रहें। हम आज भी उस सोच को नहीं बदल पाए हैं कि कूड़ा डालना ही बंद करें और किस तरह से कूड़ा का जो कॉम्पोजिशन है उसको ऐसे बदलें कि वो रिसोर्स बन जाए, और किस तरह से हम अपना जो कंजम्पशन है, अपना विकास है, उसको जोड़ के आगे बढ़ सके। ये पूरी जो पर्यावरण की जो बड़ी सोच है ये कहीं हम खो रहे हैं। और जब मैं यहाँ आती हूँ मुझे सबसे ज्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ जो मैंने कल देखा वो एक ऐसे सवाल है जो मुझे लगता है हमें पूरी दुनिया में और पूरे देश में, तो पहाड़ के सवाल पूरे देश के लिए आज एक सवाल बनाना है। जब कल महिलाओं ने मुझे बताया किस तरह से बंदरों के कारण उनका जो खेत है वो पूरी तरह से नष्ट हो रहा है, तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि क्या आज हमने जब कैरिंग कैपेसिटी की बात करी, और करके ईश्वर ने मुझे बहुत अच्छी बात समझाई, हम कैरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं, हम जानवरों की कैरिंग कैपेसिटी की बात क्यों नहीं करते, हम क्यों नहीं करते कि आज ठीक है इनके कारण जंगल नहीं विनाश हुए हैं, अगर शहरों के कारण जंगल विनाश हुए हैं तो आप बंदरों को पालिए ना, आपके बैकयार्ड में होना चाहिए ना, वो क्यों गरीब के बैकयार्ड में बंदर है। अगर बोरीवली का फॉरेस्ट के अंदर मुंबई जा चुका है तो बुरिवली का जो पैंथर है वो बुरिवली में रहना चाहिए ना, एलिफेंट अगर हम पालना चाहते हैं तो आप अपने घर में रखिए, बाघ को रखना चाहते हैं तो आप रखिए। अगर हमें इस चीज के अंदर विरोधाभास नहीं चाहिए, अगर हमें ऐसा चाहिए कि पर्यावरण भी बचाना है और हमें लोगों के साथ जीना है, तो इन सवालों को उठाना पड़ेगा, और ये उठाना पड़ेगा कि हमें इसका समाधान ढूंढना है कि लोग किस तरह से पर्यावरण को देखते हैं, उनकी आज क्या दिशा है। जब वो पेड़ देखते हैं, वो देखते हैं सरकारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अफसर जो उनके पेड़ों के ऊपर हक जमाया हुआ है, और वो आज कह रहा है कि आप पेड़ काट नहीं सकते, आपको जंगल से कुछ मिलेगा नहीं, और दूसरी तरफ से जंगल के जो जानवर हैं वो उनके खेत खत्म कर रहे हैं। अगर हम इस चीज को संभालेंगे नहीं, इस चीज के अंदर हम किसी तरह से एक डायलॉग के साथ एक रास्ता नहीं निकालेंगे, मैं तो बार बार यही सोचती हूँ कि इस देश के लोग इतने शांत हैं और इतने चुप हैं कि हमारे जंगल आज बचे रहे, मैं होती तो मैं जला देती। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं जलाऊंगी जंगल, अगर कोई ये कोई हेडलाइन मत बनाए प्लीज, मगर मैं ये जरूर कह रही हूँ कि इस सवाल को उठाना पड़ेगा, और हमें डरना नहीं है सवाल को उठा के, क्योंकि हमें ये भी कहना है पूरी दुनिया को कि हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हमें वो एनवायरमेंटलिज्म ऑफ द पुअर चाहिए, हमें वो एनवायरमेंटलिज्म ऑफ द मिडिल क्लास नहीं चाहिए। एनवायरमेंटलिज्म ऑफ द मिडिल क्लास है वो जहाँ आप कूड़ा बनाते जाते हैं और कूड़ा का की ढेर को किसी तरह से हटाते जाते हैं, और वो ढेर बढ़ता जाता है। इसीलिए आज विकसित देशों के रहन सहन के कारण
और देश के अमीर के रहन सहन के कारण, हमारे देश के अमीर के रहन सहन के कारण आज पूरी दुनिया में ऐसा प्रलय छाया हुआ है जिससे आज का गरीब की बुरी हालत है और कल के अमीर की भी बुरी हालत होगी। ये एक अच्छी चीज है क्योंकि ये जो जहां तक क्लाइमेट चेंज का सवाल है, जहां तक जलवायु परिवर्तन का सवाल है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। आज पूरी दुनिया में अगर आप देखें टेम्परेचर इंक्रीज है 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड पिछले 150 साल के ऊपर, और 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड होना है क्योंकि इतना हमने जो प्रदूषण हवा में किया हुआ है उसके कारण 0.8 डिग्री तो सर्टन है। वैज्ञानिक कहते हैं कि आपको किसी हद तक किसी तरह से 2 डिग्री के नीचे रखना है टेम्परेचर इंक्रीज को, 2 डिग्री के नीचे, क्योंकि 2 डिग्री के बाद जो आज आप देख रहे हैं, जो आज आप मानसून का हाल देख रहे हैं, जो आज आप देख रहे हैं, उस वो बहुत गुना बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और इसीलिए 2 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज के नीचे ही हमें टेम्परेचर राइज रखना है। मगर अगर इस 2 डिग्री टेम्परेचर राइज के नीचे रखना है तो हमें एनवायरमेंटलिज्म ऑफ द मिडिल क्लास हमें बिल्कुल काम की चीज नहीं है, क्योंकि एनवायरमेंटलिज्म ऑफ द मिडिल क्लास में आज भी प्रदूषण नहीं रुक रहा। हमारी जो बिजली की खपत है वो बढ़ती जा रही है। हम लोग कितना भी सोलर एनर्जी लगा लें मगर अगर बिजली की खपत बढ़ती जाएगी तो सोलर एनर्जी भी इतनी काम नहीं आएगी। तो इस चीज को अगर हम लोग एक बड़े तरीके से देखें कि किस तरह से दुनिया के अंदर आज लोग खोज रहे हैं एक नया तरीका, और हमारे देश से जो तरीका निकला था कि लोगों को जोड़ के पर्यावरण की चिंता करें और उससे जोड़ के हम आगे बढ़ें, और हम अगर उस चीज को खो देंगे तो एनवायरमेंटलिज्म ऑफ द मिडिल क्लास जो समृद्ध लोग हैं उससे कुछ नहीं होगा। और आज आप देख रहे हैं, और ये मैं अंत में चीज कहना चाहूंगी, आज आप देख रहे हैं कि अगर उत्तराखंड की जो ट्रेजिडी हुई, उस ट्रेजिडी के 2 कारण थे। एक कारण तो ये जरूर था कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो आपका आपका जो अनसीजनल रेन है या जो आपकी बहुत भीषण जो बारिश पड़ती है, जो आज क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं हिमालय के अंदर, और हिमालय को पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा वनरेबल एरिया है क्योंकि वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट ज़्यादा होंगे, और हमारी जो पूरी और दूसरी तरफ जो वर्षा है वो भी ज़्यादा सीजनल होती जाएगी, तो कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी, तो ये हिमालय के लिए बहुत बुरा एक साइन है। मगर दूसरी तरफ से जो आज हम विकास कर रहे हैं हिमालय के अंदर उससे हम उसको और ज़्यादा खोखला करते जा रहे हैं। तो अगर आप उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर आपने केदारनाथ में जिस तरह से विकास किया, जिस तरह से लोगों ने नदी के ऊपर घर बनाए, जिस तरह से आपने सड़कें बनाई, जिस तरह से बांध बनाए, बांध बनाना, मैं ऐसी पर्यावरणवादी हूँ जो कहती है बांध जरूरी है मगर ऐसे बांध मत बनाइए कि वो बम्पर टू बम्पर हो, कि एक बांध बने और दूसरा बांध शुरू हो। ये सोच के बनाइए कि हिमालय के अंदर जो इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी है हिमालय की उसके साथ आप क्या विकास करेंगे, किस मेल का विकास करेंगे। और जो आपने उत्तराखंड में देखा वो यही देखा कि एक तरफ से प्राकृतिक कारणों से आपकी वर्षा हुई, दूसरी तरफ से जो मनुष्यों का जो
का जो विकास रहा है उसके कारण इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई। वही हमने चेन्नई में देखी, वही हमने श्रीनगर में देखी उसके बाद, और ये इसीलिए देखी कि जो पानी के स्रोत थे वो खत्म कर दिए। श्रीनगर के अंदर डल लेक का जो पूरा पानी रोकने की जो क्षमता है वो खत्म हो गई। आपके यहाँ जो तालाब हैं, जो जो सारे ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर पानी रुक सकता है वो खत्म होकर, दूसरी तरफ से जो विकास जिस तरह से विकास किया है उसके कारण इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी बढ़ गई। मगर हिमालय के अंदर विकास भी चाहिए। किस मेल का वो विकास होगा जो यहाँ के लोग यहीं रह सके, वो एक बहुत बड़ा सवाल है आपके सामने। आप इसको नकार नहीं सकते, आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ से पलायन होने दो, दिल्ली जाने दो यहाँ के लोगों को, यहाँ से जो जो सारे गांव हैं वो खाली होते जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आज बेरोजगारी है, यहाँ पर लोगों को काम नहीं मिलता, यहाँ पर आपने जंगलों का संरक्षण जरूर कर लिया है मगर लोगों की जो जरूरत है उसके बारे में नहीं सोचा। तो आपको हिमालय के अंदर, और मैं कोई नहीं होती हूँ आपको कहने वाली, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो इस पूरे देश को सिखा चुके हैं। मैं आपको ये भी नहीं कह सकती कि मैं क्या कहूँगी आपसे कि क्या करना चाहिए, मगर मैं आपसे ये जरूर कहूँगी कि हिमालय का एक बहुत बड़ा सवाल है जो आप लोग नहीं उठा रहे और आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस देश का सबसे बड़ा सवाल है कि विकास भी चाहिए हमें, मगर हमें ऐसा विकास चाहिए कि हम विनाश नहीं लाएं। और आज जब जलवायु परिवर्तन होगा तो वो विनाश की जो गति है वो बढ़ती जाएगी, मगर वो क्या विकास होगा हिमालय के लिए जो यहाँ पर हम लोग समृद्धि ला पाएंगे वो आपका सवाल है। और आपका इसलिए सवाल है क्योंकि वो पूरी दुनिया को सुनना चाहिए। आप रास्ता खोजेंगे, आप रास्ता ढूंढेंगे, एक नया तरीका लाएंगे तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में भी समझ बढ़ेगी कि एक नया रास्ता हो सकता है। हमें एक ही रास्ता नहीं, जो आज का रास्ता जो हम जानते हैं कि विनाश करते जाओ और उसके ऊपर लेप लगाते जाओ और वो लेप कहीं ना कहीं टूटता जाता है, तो ये बैंडेड सॉल्यूशन नहीं चलेगा। मगर ये मैं आपको अंत में यही कहूंगी जोशी जी कि मेरी हिम्मत नहीं होती कहने की कि ये रास्ता है, मगर मैं आपसे जरूर ये कहूंगी कि हम सबको साथ मिलके एक नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिसमें हम पर्यावरण भी बचाएं मगर लोगों को भी बचाएं। लोग और पर्यावरण नहीं, अगर लोग का पर्यावरण लोगों का पर्यावरण नहीं होगा तो वो ऐसा पर्यावरण की परिभाषा होगी कि प्रलय तो आना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न है तो ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा कि पर्यावरण को खतरा है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि कुमाऊँ या गढ़वाल उत्तराखंड के लिए जैसे यहाँ बहुत ऊंचे मंजिल बन रहे हैं मकानों की और एक नॉइज़ पॉल्यूशन जैसे बहुत होने लगा है कि जोर जोर से माइक लगा देते हैं, और तो इससे कितना खतरा है हमारे पर्यावरण को? दो तीन चीजें मैं आपको रखना चाहूंगी आपके सामने। एक तो हाइट रिस्ट्रिक्शन, तो मुझे लगता है आपको कुछ करना ही पड़ेगा क्योंकि वही है कि आप सिस्मिसिटी देख लीजिए और आप जानते होंगे सवाल को किस तरह से इसको रोकेंगे। मैं ये भी जानती हूँ कि यहाँ पर ज़मीन की बहुत ज़रूरत है, तो मैं ये एक बैलेंस आपको लाना पड़ेगा कि किस तरह से हाइट होगा, किसी तरह से आप कहाँ ज़मीन, किस ज़मीन पे आप कितनी हाइट पे बिल्डिंग अलाउ करेंगे और किस कैसे बायलॉज लाएंगे जिससे वो बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो। हाइट रेजिस्टेंट में
जो है इस समय जो प्रिजन पॉलिसी है स्टेट गवर्नमेंट की, वो यह है कि 7 मीटर तक हर आदमी जो है बना सकता है। 7 मीटर से 12 मीटर तक अगर जाएगा तो स्ट्रक्चर डिजाइनर्स की सर्टिफिकेट के आधार पर वो उसको बना सकता है। लेकिन स्थिति यह है, स्थिति इसके भी खिलाफ है। स्थिति यह है कि वो 12 मीटर से 12 मीटर से भी ऊपर लोग बना रहे हैं, और उस पर रिस्ट्रिक्शन के लिए हमने कई बार गवर्नमेंट को लिखा है कि इसको ठीक किया जाए, नहीं तो ये ध्वस्त कराया जाए। बहुत अच्छा है ना, हमने इस पर लिखा है कि इनको सजा का प्राविधान भी किया जाए। और इसमें बहुत ज्यादा फाइन किया जाए, और जो एक निर्धारित हाइट से ऊपर बना रहे हैं उसको ध्वस्त कराया जाए। ये हमने सजेशन को भी गवर्नमेंट को भेजे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उस पर अभी नहीं। बिल्डिंग कौन तोड़ेगा, कैसे तोड़ेगा? फिर किसी दिन जब अर्थक्वेक आएगा तभी टूटेंगे, और फिर ये होगा अरे कहाँ गए हमारे राइट रिस्ट्रिक्शन। तो अध्यक्ष जी, जो आपने बात कही, मुझे लगता है इसको थोड़ा बुलंदी से अगर सब लोग उठा सकें और कहें कि अभी सही करो इसको। और दूसरा जो आपने नॉइज का कहा, मुझे लगता है नॉइज प्रदूषण के ऊपर पूरी सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल क्लियर गाइडलाइंस हैं, आप उसको लेके चलिए। और उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि यहाँ लाउड स्पीकर की क्या ध्वनि का होना चाहिए, उसके ऊपर भी मुझे लगता है वो बहुत लैक्स हैं, उसको भी कम करना चाहिए। और 10 बजे के बाद तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। और देखिए, सबकी श्रद्धा है, धर्म सबका है, मगर उससे अगर किसी और को चोट पहुँचती है, मुझे लगता है इसको रोकना पड़ेगा, और सबको साथ जीने की ज़रूरत है। तो अगर अध्यक्ष जी ने जो कहा उससे तो मेरी तो बोलती बंद हो गई है, क्योंकि अगर वो ही ये कह रहे हैं तो फिर तो सही होगा ही। साथ साथ पर्यावरण के शोधन की बात कही, वो तो बहुत युक्ति संगत है। जोशी जी ने भी जो बताया, ये साथ साथ चलना चाहिए, क्यों विकास नहीं होगा तो लोगों की प्रगति नहीं होगी, जहाँ से कहाँ रहेंगे और गिर भी सकते वहाँ से। और पर्यावरण अगर सही नहीं होगा तो उससे तो स्वास्थ्य पर और तमाम अन्य बातों पर भी प्रभाव पड़ेगा, जैसे खेती का बता। मेरा ये निवेदन है कि दो बातें हैं हमारे यहाँ प्राचीन साहित्य में कही हुई, एक तो है यज्ञ। यज्ञ का मतलब है देना और लेना, कुछ दो और कुछ लो, आदान प्रदान का नाम यज्ञ है। यज्ञ देव पूजा संगति करण दानेषु, तीन अर्थ है देवों की पूजा। देव क्या है, ये हमारे जो पत्थर के बनाए मूर्तियां, ये नहीं है ही देव। देव है जल, देव है वायु, देव है अग्नि, देव है ये धरती, और ये वनस्पति, ये सब ये देवता कहे गए। यजुर्वेद में इनको सब देवता नाम से कहा गया। मैंने देवार्थ प्रकाश नामक एक ग्रंथ बहुत देखा है, हिंडोन सिटी से छपा है, तो उसमें यही सब रहस्य दिखाया है कि वैदिक देवता जो है ये सारा पर्यावरण है। गीता में कहा गया देवान भावयता इनेनो ते देवा भावयंतु, आप देवों की पूजा करो, ये मूर्तियों की नहीं, ये देवों की, इनका शोधन करो, इनकी रक्षा करो। वायु दूषित न हो, जल दूषित न हो, आकाश दूषित न हो, अग्नि दूषित न हो। अग्नि में आप अशुद्ध पदार्थ डालेंगे बदबू करेगा, अगर आप घी का, गाय का घी का होम करेंगे तो शुद्धता देगा, वो वायु को शुद्ध करता है। हमारे यहाँ बहुत लोगों ने यज्ञ के द्वारा वर्षा को उत्पन्न करा है, लेकिन काफी खर्चे की बात है, बरेली में हुआ है, दिल्ली में हुआ है। जी, मैं एक दूसरा और बात करूँगा। एक तो यज्ञ का है कि घर घर में हो जाए तो शुद्धि हो जाए, घर के भीतर हम लोग जो वायु दूषित करते हैं और जहाँ प्राणी रहेंगे दूषित होगा, तो उसके लिए वायु को झाड़ू से साफ नहीं किया जा सकता। यज्ञ के धुएं से वायु जो है हल्की होकर के बाहर निकलेगी, शुद्ध वायु भीतर आएगी, ये यज्ञ का विधान। और दूसरा था, मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंसा जो हो रही है हमारे यहाँ, जैसे गाय कट रही है, बूचड़ खाने बहुत ज्यादा, इनसे सारा ये वातावरण दूषित हो गया है, और ये भी उनकी आह भी हमारे वायु को दूषित करती है और ईश्वर की व्यवस्था को भी दूषित करती है, ऐसा भी बहुत लोगों का कहना है। ये आपने जो कहा बहुत अच्छा था, तो इनके कारण भी ये भी शोधन हो जाना चाहिए, यही मेरा निवेदन। तो मैं आपका निवेदन सुन रही हूँ, मगर मैं इतना तो ये आप सोच लीजिए, ठीक है? ये पुराने जमाने में ठीक था जब डीजल नहीं था, जब प्रदूषण ऐसा नहीं था, मगर इस प्रदूषण को हमारा यज्ञ साफ कर पाएगा, वो हमारे रहन सहन और जो विकास है उसी को बदलने के बाद ही साफ होगा। तो ये भी कुछ कुछ हद तक का बात है। और जो भी प्रकाश जोशी जी भी कह रहे थे,
कि बिल्डिंगें 12 मीटर तो ऊपर बनती हैं, तो बहुत सारे लोग तो ऊपर चले गए, उनको बहुत सारा पुरस्कार सम्मान मिला, लेकिन जो धरातल पर लड़ रहे थे, अगर वो किसी बिल्डिंग के 12 मीटर क्यों है इसके लिए लड़ जाएं, या किसी जमीन को किसी को गलत तरीके से दे दिया लड़ जाएं, तो उनको मुकदमे और जेल झेलनी पड़ती है। तो मेरा ये कहना है कि जब वहां पर बैठे हुए लोग ही वही हैं, तब क्या रास्ता है हमारे सामने? पिटने का, लगातार मुकदमे झेलने का, लगातार लोगों के लिए, महिलाओं को लड़ने फिरने का, उनके मुकदमे होने का, तो ऐसा कौन सा रास्ता है कि जिससे हम इस सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को ठीक कर सकें, ताकि वो कम से कम उतनी बात तो माने? उसके बारे में क्या नजरिया है? माय पे ग्रेड। मैं नहीं जानती कि राजनीति कैसे ठीक करूं, मैं ये तो जरूर कह सकती हूं कि हमें लगना पड़ेगा। आज मेरे अगेंस्ट नहीं, देख लीजिए, मेरे अगेंस्ट भी हर हफ्ते एक मुकदमा आता है, ठीक है, एक हर हफ्ते। जो आज जो कीटनाशक जो उद्योग है, उसने मुंबई, दिल्ली, वलसाड के अंदर मेरे अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट इश्यू करा चुके हैं। तो ये चीजों से क्या रोना धोना, क्या फर्क पड़ता है? आप लगे रहिए ना, रोने का सवाल तो नहीं है। रोने का सवाल नहीं है, हाँ। रोता है कोई नहीं है, हाँ, तो फिर यहाँ तो लड़ते हैं। मेरा कहना है कि हम लोगों को ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि ये, अगर मान लीजिए एक मुख्य वैकल्पिक राजनीति लाने की बात हम क्यों नहीं करते हैं, जो 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 उसका मुख्य बात है, हम एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स की बात क्यों नहीं करते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, क्लियर हूँ कि मैं पॉलिटिकल सिस्टम, जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है, उससे मैं जूझती हूँ और उससे कहीं ना कहीं काम कराने की कोशिश करती हूँ। और अपनी आवाज सुन, मैं मानती हूँ कि अगर हम आवाज उठाते रहे तो कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम आएगा, पर्यावरण का जहाँ उनका नजरिया है वो एक सा ही रहता है, लोगों की तरफ नजरिया एक सा ही रहता है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपसे और मैं आपसे नहीं, पर्यावरण करे वही बात हुई ना, नहीं आप वही आगे पर्यावरण कहाँ गया आपकी, वही आगे जलवायु परिवर्तन के लिए सिर्फ मानवीय कारण ही जिम्मेदार है, जबकि ये सुनने में आता है कि 110 साल पहले का गर्मी का रिकॉर्ड टूटा, हाँ। या 120 साल पहले की बारिश का रिकॉर्ड टूटा, ठीक है। और दूसरा मेरा एक क्वेश्चन और आपसे ये है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में अमीर और गरीब में पर्यावरणीय असंतुलन के लिए ज्यादा दोषी कौन है? आपकी प्रतिक्रिया क्या पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अमीर कारपोरेट उपभोक्तावादी की सुख सुविधा का खामियाजा मानव समाज को नहीं भुगतना पड़ रहा? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। अब बिल्कुल स्पष्ट है कि मनुष्य ही मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन का। इसके ऊपर बहुत अध्ययन हो चुके हैं। और जो आपने कहा कि देखिए 150 साल पहले भी ऐसी गर्मी पड़ती थी, 100 साल पहले भी ऐसा ही मौसम रहता था, कभी ऐसी वर्षा होती थी, तो ये सोच के चलिए कि फर्क क्या आ रहा है। पहले होता था कि 100 साल में एक दफे ऐसी वर्षा पड़ी, फिर हुआ 100 साल 50 साल में एक दफे, अब हो रहा है 2 साल में एक दफे, 1 साल में एक दफे, 6 महीने में एक दफे। तो इंटेंसिटी जो बदलती जा रही है, फ्रीक्वेंसी जो बदलती जा रही है, वो ही आज जलवायु परिवर्तन है। तो और इसी इसका कारण है मनुष्य, और इसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जो दो ऐसे गैसेस हैं जो हमारे विकास के कारण आज प्रदूषण होता है, और उस प्रदूषण से ही पूरी जो गर्मी दुनिया में फैल रही है। तो इसके ऊपर दो राय नहीं है। अब अमेरिका के जो पहले प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, वो बहुत कहते थे कि मनुष्य ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है, मगर आज जॉर्ज बुश जैसे लोग भी पूरी दुनिया में मानते हैं कि ये एक चीज के ऊपर कोई विवाद नहीं है। विवाद आज ये है कि क्या करना चाहिए, और जो हम कर रहे हैं वो कम है या ज्यादा है। और उसमें जो आपने जो दूसरा सवाल पूछा, वो बहुत बिल्कुल जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि यही सबसे बड़ी चुनौती है कि आज जो हम कर रहे हैं वो ही उद्योग, वो ही कॉर्पोरेट सेक्टर का जो बनाया हुआ पर्यावरण का जो खेल है,
जो परिभाषा है उसी के अंदर हम कोशिश करने की कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक हम लोग कोई और, मैं ये नहीं कह रही हूँ विकास नहीं होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ उद्योग नहीं होना चाहिए, मगर जो पर्यावरण की परिभाषा है उसको जब तक नहीं बदलेंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक, हम लोग विकास के मायने भी समझने पड़ना चाहिए। हम लोग समझते हैं कि विकास मायने है मशीनें, कंप्यूटराइजेशन, कम लोग काम करें, जहाँ देश में कम लोग हैं तो ऐसा करें, पर विकास हमारे देश में और हमारे गांव में तो जैसे आपने कहा लोगों के मिलकर होना चाहिए। जो यहाँ पे हमारे गांव में तो सबकी एक एकड़ से जमीन कम है तो बोलते हैं कैसे पूर्ति नहीं होती तो हमको तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन और भी सोचें, इस धरती में भी तो हो सकता है, या हमारी पारंपरिक दवाइयाँ हैं, हमारे यहाँ मसाले हैं, परम मशहूर मसाले हैं, या हमारे फूल हैं, हमारी सब्जियाँ उग सकती हैं, अगर हम समझें कि ये भी विकास है तो उनको काम भी मिल जाएगा, धन भी मिल जाएगा और पलायन भी कम हो जाएगा। तो हमको इस तरह ज़रा सोचना चाहिए, विकास सिर्फ विदेशी विकास नहीं है, हमारे धरती में हमारे परंपरा का विकास भी है। अंत में कहा था कि हिमालय का क्या विकास होगा, आप लोगों के सामने एक सवाल है, क्योंकि हिमालय अगर यहाँ से पलायन ही होता जाएगा तो यहाँ का विकास तो नहीं होगा, मगर किस मेल का विकास जो संवेदनशील हो, लोगों का हो और पर्यावरण को भी बचा सके, वो एक सवाल है। और जो आपने कहा वो एक बहुत कि धरती में बहुत कुछ है, उसको आगे लें, उसको उससे एक लोग, तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बहुत अच्छा यहाँ पर व्याख्यान दिया और हम काफ़ी इंस्पायर भी हुए आपसे कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन मेरा एक प्रश्न ये है यहाँ, जिसको कि कूड़ा देख के हर जगह मैं तो सारा पूरा वर्ल्ड भी घूम चुका हूँ और देखता हूँ कि हमारे इंडिया में जो बदनामी इस समय हो रही है कूड़े के लिए ही हो रही है, बाकी और किसी चीज़ के लिए नहीं होती है। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि यहाँ पर ऐसी कौन सी संस्थाएँ हैं और कौन से ऐसे व्यावसायिक संस्थाएँ हैं जो कूड़ा निस्तारण में अपना काम कर रही हैं, और हमें ये बताएं ताकि हम उनको अल्मोड़ा में भी ला सकें अगर हमारे नगरपालिका अध्यक्ष महोदय उनसे कांटेक्ट करें तो। मैं ये बात करना ही चाह रही थी तो अच्छा हुआ आपने सवाल पूछ लिया। पिछले कुछ मैंने अपने आप और सीएससी ने भी कभी कूड़े के ऊपर काम नहीं किया था, और हम लोग ने यही सोचा था कि बहुत लोग काम करते हैं कूड़े के ऊपर और सीएससी और कुछ करे, और देश के अंदर एक डिविजन ऑफ लेबर होना चाहिए। मगर पिछले साल हम लोगों ने कुछ काम किया और हमने एक सवाल पूछा थे, हमने एक सर्वे किया था, हमारी पत्रिका है रामपुर करके, तो हमने पत्रिका के माध्यम से एक सवाल पूछा था अपने रीडर्स से कि आप बताइए कि देश का सबसे साफ शहर कौन सा है। तो हमारे पास काफ़ी लोगों के जवाब आए, उन्होंने कहा ये वो फिर क्योंकि पत्रिका है हमारे पास जर्नलिस्ट है, हमने कहा चलो फिर हमने एक शॉर्ट लिस्ट बनाई और उस शॉर्ट लिस्ट पर फिर हमने लोगों को भेजा, हमने कहा चलो जाओ ढूंढ के आओ कौन सा देश का सबसे साफ शहर कौन सा है। जब वो ढूंढते ढूंढते आए और काफ़ी फिर चीज़ें आई, फिर मैंने जब पढ़ा तो मैं तो बिल्कुल आश्चर्यजनक रह गई। दो शहर निकले सबसे साफ, एक था केरला में और एक था गोवा के, और दो और शहर थे आंध्र प्रदेश के, बोबली और सूर्यपेट करके। और मैंने कहा यह हो ही नहीं सकता, आई मीन सब पूरी दुनिया बात करती है सूरत की, पूरी दुनिया बात करती है अहमदाबाद की, पूरी दुनिया बात करती है मैसूर की, और आप मुझसे कह रहे हैं कि यहाँ पर एलपी सबसे साफ है, ये हो ही नहीं सकता। तो हमारी वो अभी तक वो अंक निकला नहीं है, वो अगले महीने निकलेगा, क्योंकि मैंने उसको रोक लिया ये कह के मैं देखने जाऊँगी, और मेरा थोड़ा निकलना मुश्किल होता है, मगर मैंने कहा मैं तो जाके देखूंगी फिर ही समझूंगी फिर आपको इसको छापने दूंगी, क्योंकि मैं मानती नहीं हूँ उसको। तो मैं गई केरला, वहाँ पर बहुत अच्छा काम है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो गरीब है उसकी आवाज़ है, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कह रही हूँ, और क्योंकि उसकी आवाज़ है तो वहाँ का जो कैपिटल सिटी है तिरुवनंतपुरम, वहाँ के बाहर एक गाँव है जहाँ पर पूरे शहर का कचरा जाता था, गांव के अंदर अध्यक्षा एक महिला है जो अध्यक्षता करती हैं, शहर के अंदर भी महिलाएं हैं
जो अध्यक्ष महोदय हैं, शहर की जो महिलाएं हैं वो हैं सीपीआईएम से, और जो गांव की जो अध्यक्ष हैं वो हैं रूलिंग यूडीएफ से। पिछले कुछ साल पहले गांव वालों ने कहा हम अपना कूड़ा आपके यहाँ हमारे यहाँ नहीं लाने देंगे। शहर ने कहा कौन होते हो तुम रोकने वाले, और वो गए, पहले गए हाई कोर्ट, फिर गए सुप्रीम कोर्ट। सब जगह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका हक बनता है वहां जाने के लिए, मगर गांव की जो महिलाएं हैं और गांव के जो लोग हैं उनने पिछले 5 साल में एक ट्रक नहीं गई है उनके गांव में त्रिवेंद्रम के कूड़े की। उन्होंने कहा नहीं आने देंगे, आप सुप्रीम कोर्ट से कह दीजिए कि जाना है, हम सुप्रीम कोर्ट की बात कौन सुनेगा, हमारा गांव है, सुप्रीम कोर्ट के यहाँ कचरा डालिए, अगर आप जाना चाहें जाए, भेजिए त्रिवेंद्रम का कचरा सुप्रीम कोर्ट में। 5 साल हो गए कचरा एक ट्रक नहीं गई है। तो मेरा सवाल था, और यही चीज हुई एलपी के अंदर, मेरा सवाल था क्या हो रहा है, फिर कहाँ जा रहा है कचरा। तो दो चीजें हो रही हैं अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा काम हो रहा है वहां पर। क्यों? क्योंकि अब लोगों, म्यूनिसिपैलिटी ने कहा है कि हम तो कचरा उठा ही नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप ये कहिए, मैं कह रही हूँ कि तो मैं दूसरा तरीका दिखाऊंगी उनको पंजे का। मगर वहाँ उन्हें बिल्कुल, उन्होंने अपना रेजोल्यूशन पास कर दिया है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर कि हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं उठाएंगे। तो जो भी ऐसा कचरा है जो कंपोस्ट कर सकते हैं लोग, हम वैसा कचरा नहीं उठाएंगे। तो अब घर घर के अंदर, मैं आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगी किस तरह से छोटे छोटे कॉम्पोस्ट बिन बन आई है जो हर घर में लग रही है। और हर घर में नहीं तो एक घर में, आपने वो सिंटेक्स टैंक देखा होगा, सिंटेक्स टैंक के ऊपर बायोगैस प्लांट बने हैं, लिटरली इतना छोटा बायोगैस प्लांट है। घर घर के अंदर बायोगैस प्लांट है, घर घर के अंदर कंपोस्टिंग हो रही है। अच्छा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो ऐसा है आपने संभाल लिया। दूसरा सवाल होता है कि अब जो प्लास्टिक है उसका क्या करें, जो बोतलें हैं उसका क्या करें, जो पेपर है उसका क्या करें। सबसे बड़ी चिंता होती है जो पतला पतला प्लास्टिक आता है और जो चिप्स आते हैं, जो ये बोतलें तो तभी भी रिसाइकलेबल है, मगर जो ये प्लास्टिक चिप्स वगैरह आते हैं उसको तो आपको रोकना पड़ेगा, आपको बैन लगाना पड़ेगा। अच्छा, फिर दूसरा शहर निकला पंजिम। मैं पंजिम पहुंची, वहां पर है एक म्युनिसिपल कमिश्नर जिनने ठान लिए कि मैं तो सेग्रीगेट कराऊंगा। उनने ऐसा अच्छा सिस्टम बनाया है शहर भर में कि ये कहा है कि मैं एक दिन कचरा लूंगा तो लूंगा बायोडिग्रेडेबल, दूसरा दिन कचरा लूंगा तो लूंगा प्लास्टिक, तीसरा दिन कचरा लूंगा तो लूंगा बोतल। और होटल में उनने ऐसा फाइन का सिस्टम बनाया है कि अगर किसी होटल ने उसने अपने सामने कोई कचरा डाला, अगले दिन ही उसके ऊपर फाइन होता है। जो आपके पास हक है आप कर सकते हैं, लिटरिंग का फाइन आप लगा सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज उन्होंने कही है कि मैं जो बड़े बड़े होटल हैं उनसे बाय सेग्रीगेट करके ही वेस्ट लूंगा, और उसके अंदर मैं ये लिखा, हर पैकेट के ऊपर नाम लिखा जाता है, नंबर लिखा जाता है। तो मैं उनके जब वेस्ट प्लांट पे खड़ी थी तो मैं देख रही थी कि जो पैकेट खुल रहे थे उसके अंदर किसी पैकेट के अंदर प्लास्टिक था, तो वहीं पर नोट हुआ कि इस जो ये जो आया है कचरा ये किस होटल से आया है उसके ऊपर फाइन लगे। अब मैंने जो, और हमने काफी अब अध्ययन किया है शहर भर, काफी शहर घूमे हैं हमारे लोग, उससे एक चीज बिल्कुल स्पष्ट निकल के आती है, और यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ। आप ये, आप कचरे का जहाँ सवाल आता है, आप ये सोच के चलिए कि इसका कोई एक सिंपल रास्ता नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि ये रास्ता है कि मैं जो हमारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो झाड़ू लगाएगी, इसको जमा करेगी और कहीं ले जाके वो डंप करेगी, और आज हमारा है कि हमें डंप बनाना है, हमें सैनिटरी लैंडफिल चाहिए, ये कोई तरीका नहीं है। इसमें आपकी एक सैनिटरी लैंडफिल भरेगी, दूसरी लैंडफिल फिर आपको जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज है कि आपको कचरा उठाते 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 इतने दाम देना पड़ेगा कि कोई दाम नहीं दे पाएगा।
तो अगर आपको इसका समाधान ढूंढना है तो यही है, तीन चीजें हैं। एक, सबको पैसा देना पड़ेगा कचरे के लिए, यूजर चार्ज आपको लगाने पड़ेगा। अगर यूजर चार्ज आप नहीं लगाते तो आप ये सोच लीजिए कि आप कचरे का जो प्रॉब्लम है उससे कभी जूझ नहीं पाएंगे। दूसरा, लोगों को सेग्रीगेट घर पे करना पड़ेगा। जो भी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इस देश में लगा है, और मैंने अब हर प्लांट का अध्ययन किया है, हर प्लांट में हमारे लोग गए हैं चेक करने के लिए, जो भी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगा है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू इतनी कम है उस कचरे की कि उससे एनर्जी नहीं बन पा रही है, प्लांट बंद हो रहे हैं। और इसलिए बंद हो रहे हैं क्योंकि सेग्रीगेशन एट सोर्स नहीं होता। सेग्रीगेशन हम लोग चाहते हैं कि वो हो सॉर्टिंग एट द प्लांट साइट। जब हम प्लांट पे अनसेग्रीगेटेड वेस्ट लेके जाते हैं वो सॉर्टिंग नहीं हो पाती। तो सेग्रीगेशन एट सोर्स क्रिटिकल। थर्ड, बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है वो आपको अपने घर में करना पड़ेगा, नहीं कर सकते तो एक समूह में करना पड़ेगा। और तीसरा, जो इनफॉर्मल सेक्टर है शहर का उसका इस्तेमाल करिए, और जितना इस्तेमाल कर सके उससे कचरा जो उनका सिस्टम है वो आप कभी रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे, उसको रिकग्नाइज करिए, उसको अपने जो मास्टर प्लान है आपका, जो सैनिटेशन बायलॉज होंगी शहर की, वो सैनिटेशन बायलॉज के अंदर उनका रोल लेके आइए। और चौथा, कि आपको ये जो प्लास्टिक है, जो चिप्स आते हैं वो सब आते हैं, इसको आपको बैन करना है। मैं अमरनाथ श्राइन यात्रा की अध्यक्ष हूँ, सदस्य हूँ बोर्ड की, वहाँ पर हमने पूरी तरह से बैन किया हुआ है ऊपर तक, और इसीलिए बैन किया क्योंकि कोई और इसका समाधान नहीं है। सॉरी, लंबा आंसर था, मगर मेरा ये इसके बाद इतने लंबे लंबे उत्तर नहीं, ठीक है? तो मैं सबके सवाल सुन के फिर मैं कुछ कोशिश करूंगी। तो मैं ये जानना चाह रहा था, अभी हमने पिछले दिनों देखा आर्ट ऑफ लिविंग से यमुना फ्लड जोन रीजन में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, समझ गए? तो उसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या वो ट्रिब्यूनल ने 5 करोड़ का पेनल्टी दी थी, जबकि हमारे जो कमिटी थी उसने मतलब 100 to 120 करोड़। जी जी, इस पर और उस पर कितना नुकसान हुआ है हमको और कितना टाइम लगे? आपने कहा कि मैं जैसे परिवारिक भी हूँ जो बांधों का समर्थन करती हूँ, विरोध क्यों नहीं करती? उत्तराखंड में मैं बता रहा हूँ, उत्तराखंड में हमने हर बांध को देखा है। मैं चिपको आंदोलन से आया था, पूरा उत्तराखंड में जितने बांध है सब मैं गया हूँ, देखा है। जितने भी हमारे 10 मेगावाट 20 मेगावाट से 200 1000 मेगावाट में जो भी विद्युत परियोजनाएं हुई है, क्योंकि वो किसी एक हमारे जनता ने बनाकर कोई मतलब पैसे कमाने वाले पूंजीपति ने बनाई है, उसने जहां भी हर बांध ने हमारा बांध सभ्य नहीं हमारा विनाश किया है। लेकिन इसकी जगह हमारे जो पर्यावरणविद हैं वो ऐसी सलाह हमारे व्यवस्था को हमारी सरकारों को क्यों नहीं देते हैं कि गांव का एक समूह बनाकर, तो गांव के उसमें 1 मेगावाट 2 मेगावाट के हजारों ऐसे विद्युत परियोजनाएं क्यों नहीं बनती? ऐसा है कि मैं आरोही में काम करता हूँ और हमारे गांव के गांव उजड़ गए वहाँ पे, और उसका समाधान नहीं, और कुछ समाधान की सोचते हैं तो मेनका गांधी जी आ जाती है बीच में। तो इसका मैं आपसे कुछ चाहूँगा कि हाउ डू वी काउंटर दिस, बिकॉज इट्स अ मेजर मेजर इशू विच इज हैपनिंग। प्रश्न से ज्यादा एक बात बताना चाहती थी, क्योंकि आपने कहा कि उत्तराखंड के विकास का क्या स्वरूप होना चाहिए। हमने पूरे हिमालय के बारे में सोचा और हमने उसकी एक विकास नीति, हिमालय की विकास नीति बनाई, मतलब रचनात्मक ढंग से लिख करके तैयार किया, और उसके लिए लोगों से भी पूछा, गांव वालों से और जगह जगह जा करके, और दो जगह से ऐसा आया, एक हिमाचल से भी ऐसा बना के गया। लेकिन बात यह है उसको हम आखिर तो हमको सरकार को ही देना पड़ता है, तो वो सरकार को जब देते हैं तो वो उस पर कुछ करना नहीं चाहते, क्योंकि जब हम कहेंगे चिपको आंदोलन की तरह लोगों के हक की बात, तो फिर हक की बात में तो विकास का ग्रोथ नहीं बढ़ेगा ना, वो ग्रोथ बढ़ाने की बात में लगे रहते हैं। तो इसलिए हमने उसको सेंट्रल गवर्नमेंट में भी दिया है और यहाँ अपने उत्तराखंड सरकार को भी दिया है। अब आप थोड़ी उस पर कोशिश करेंगे तो शायद कुछ कर सकते हैं। बहुत लाभ दिया। एक बात, अभी आपने कहा कि पर्यावरण और विकास दोनों एक दूसरे के पहलू हैं,
आपने अभी बंदर की बात की, महिलाओं ने भी कल आप कहती बंदरों से और उनसे परेशान हैं, लेकिन आपको याद, आपको सबको मालूम है कि जैसे उत्तराखंड राज्य बना है 4-5 सालों से यहाँ बाघ से लोग परेशान हैं। आप देखिएगा कि शहर के अंदर लोग सुबह जो मॉर्निंग वॉक करते जाते हैं, ये भी एक तय हो कि जैसे विकास का कहीं पैमाना नहीं है कि साहब कितना विकास आज जो है सारे जितनी भी हर गांव रोड से जुड़ना चाहता है, और रोड बनने के लिए कहते हैं हम जो है मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तमाम मैन पावर का इस्तेमाल कम करते हैं, और उससे जो है जो जंगल का जो पर्यावरण था वो बिल्कुल खत्म हो गया, जंगली जानवरों को भी सेफ ना समझ करके वो ये शहर क्यों ना रहे, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या हो गई। सुअर बंदर तो है ही है, और कई बार सरकार ने भी इस पर पहल की है कि हम बंदर बाड़े बना रहे हैं और सुअरों के लिए उनको मारने की परमिशन दे रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है बंदरों की वजह से पहाड़ का बहुत नुकसान हो रहा है। और ये जो पर्यावरण वाली बात आपने जो कहा, अभी बहन जी ने भी कहा था बहन ने कि कहते जो है हम लोग विकास का पैमाना होना चाहिए कि इतना विकास भी ना हो कि पर्यावरण बहुत ज़्यादा दूषित हो जाए, और इतना पर्यावरण के प्रति भी इतना अंकुश ना हो कि विकास ही ना हो पाए, तो ये बड़ी ऐसी स्थिति है। तो मैं चाहता हूँ इसमें आप बताया जाए। First, in the beginning of the speech, you mentioned that you can make a change through education, right? So my question is, how to make the change through education, how to bring the temperament, the right environmental temperament in kids as well as children? Second thing that we have already mentioned about the farmers' problems, the monkeys, pigs, and as well as climate change, especially in the hills. So do you have any suggestions, like, you know, encompassing all the three sectors at this point? Thank you. पहले तो देखिए, जो अभी हम देखते हैं उत्तराखंड के अंदर, अगर कुल भौगोलिक क्षेत्र का 65% जंगल होता है, 15% जो है संरक्षित क्षेत्रों के अंदर आ जाता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राज्य और हमारे लिए जो बहुत गौरव की बात होनी चाहिए थी, और ये सबसे बड़े परेशानी का कारण बने हैं। जो हमारे संरक्षित क्षेत्र हैं, चाहे वो बिनसर हो, चाहे हम कॉर्बेट की बात करें, हम राजा जी की बात करें, हम दुधवा की बात करें, पूरे के पूरे आज जो इनका नाम आता जाता है कि पर्यटक स्थल हैं, और पर्यटन के नाम पर जो बहुत बड़ी संख्या पर आप एक तो टूरिस्टों को जो जंगलों के अंदर भेजा जा रहा है, उसके अंदर जो पूरी खरीद फरोख्त हो रही है, बड़े बड़े आलिशान रिसोर्ट कोठियां बन रही हैं। हमारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 कहता है कि वन भूमि का गैर वाणी के कार्य के लिए प्रयोग नहीं होगा, और ये पूरी की पूरी वन भूमि का प्रयोग कहीं ना कहीं पूरे टूरिज्म के, और ये हो रहा है उनके जो जानवर का जो हैबिटेट है उसके अंदर जा कौन रहा है, ये बात आती है, गांव वालों को तो किनारे कर दिया गया है। तो ये क्या ये वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन है या नहीं, एक तो हम इसको थोड़ा कहना चाहता हूँ। दूसरी बात उसी में जोड़ना चाहूंगा जो राधा जी कहते हैं, पिछले अभी जिस बात को कह रहे थे, राज्य बनने के बाद मैं 2-3 चीज जरूर यहाँ पर कहना चाहता हूँ। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद कल्पना थी कि जंगलों पर हमारा अधिकार होगा, सब कुछ होगा। शायद हमारे तमाम मित्र जानते होंगे कि जब राज्य बना तो सबसे पहले हमारी वन पंचायतों को हमसे दूर कर दिया, नई नियमावली को ला करके वन अधिनियम में संशोधन किया, तो वन अधिनियम आज की तारीख में उत्तराखंड के अंदर रिजर्व फॉरेस्ट से कंद मूल फल नरकुल घास वनों का सब जोड़ा है, का उपयोग गैर जो है वन अपराध की श्रेणी में डाला है। अब टीएफओ को मजिस्ट्रेट के पावर में, मैं नहीं जानता हूँ कि शायद किसी अन्य राज्य के अंदर भी ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है, उत्तराखंड के अंदर संशोधन के बाद 2001 के बाद हुआ, और उसके निर्णय से आप व्यतीत हो तो हाईकोर्ट से नीचे अपील नहीं कर सकते हैं। तो ये जो कांग्रेस संघर्ष अधिनियम आता है, 1976 का ट्री प्रोटेक्शन एक्ट आता है, वो कहता है कि मैं अपने नाप खेत में एक पेड़ लगा रहा हूँ, बांस का पेड़ हो, भुरास का पेड़ हो, उसकी टहनी नहीं काट सकता हूँ, उसको मैं नहीं काट सकता, और इसके काम में जो उत्पीड़न पूरा वन विभाग के द्वारा किया जा रहा है गाँव के अंदर, क्योंकि मैं बिनसर सेंचुरी के अंदर रहता हूँ और पूरा भुक्तभोगी हूँ इन तमाम सारी चीज़ों का। तो इन परिस्थितियों में जब ऐसे पूरे के पूरे कानून आ रहे हैं, तो ऐसे समय में क्या वन कानूनों के नए सिरे से पुनर्समीक्षा की जरूरत है? जब तक ये नहीं होगा तो मुझे लगता है कि विकास और सब कैसे चल पाएंगे, पूरे के पूरे आपकी पेयजल योजना ठप हो जाती है, दूसरा ठप हो जाता है। तीसरा, मैं थोड़ा सा एक लाइन जोड़ना चाहूँगा कि सती जी जिस बात को कह रहे थे अभी, जो बाघों की संख्या, मुझे याद है 2002 में अल्मोड़ा में हमने एक प्रदर्शन किया था, उस दिन मैंने ग्रीन कोर्ट में भी इस बात को मंच से कहा था कि देखिए ये लड़ाई बिनसर के लोगों की हमारी नहीं है, आने वाले समय में ये बात बिनसर में नहीं रहने वाला है, अल्मोड़ा आने वाला है, बल्कि पिछले साल एक मित्र मुझसे अल्मोड़ा में कहते हैं वो बात तो आपने सेव सही की, उसको कारण मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2008 में जब बिनसर के अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की काउंटिंग थी कि बाघों की संख्या उस वक्त वहाँ पर 18 थी, और अभी बाघों की संख्या बढ़ करके वहाँ पर 32 हो जाती है, वन विभाग का डाटा, हमारा कहना कि इससे कई गुना ज़्यादा हो गया है। जो मैं कल आपसे भी कह रहा था कि किसी भी जंगल की एक कैरिंग कैपेसिटी है, हम उस पर बात नहीं करते हैं कि उसके अंदर कितना जानवर रह सकता है, जानवर की संख्या लगातार बढ़ रही है, और लेकिन वो कितना भी गांव से नीचे की तरफ आएगा, तो कैसे इन सबको देखें? मैं समझ गई, मुझे लगता है आप देखिए दो सवाल हैं इसमें, एक तो दिल्ली के अंदर
जहाँ यमुना का सवाल है, तो यमुना आज है नहीं नदी, वो नाला है। और वो नाला इसलिए है क्योंकि इतना दिल्ली का प्रदूषण है, तो दिल्ली वाले रो नहीं सकते कि मेरी नदी, मेरा ही कूड़ा, मेरा ही फ्लश टॉयलेट का जो सारा निकास का पानी है वो यमुना में जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल जो मुझे लगता है आर्ट ऑफ लिविंग के कारण जो उठा दिल्ली के अंदर, वो ये है कि दिल्ली का जो फ्लड प्लेन है उसका दिल्ली वासियों के लिए क्या फायदा है। देखिए आज का जो समाज है, और मैं समझती हूँ अच्छी बात है, खराब बात नहीं है, हम लोगों को कुछ हद तक अध्ययन करके समझ के सामने रखना पड़ेगा। हम लोग ये पर्यावरण की जो चिंता है वो इसी तरह से नहीं कर सकते कि जैसे तबाह हो रहा है, तबाह हो रहा है, तबाह हो रहा है, तबाह हो रहा है, और उसका दिल्ली के लिए क्या असर पड़ेगा, पानी, दिल्ली के पानी के ऊपर, दिल्ली के रिचार्ज पोटेंशियल के ऊपर, ये समझना पड़ेगा हमें। आज जो सारा फ्लड प्लेन है दिल्ली का, उसका डीमार्केशन नहीं हुआ है। आप ये मान लीजिए, अगर डीमार्केट नहीं करेंगे तो आपने ये खुली छूट दी हुई है लैंड माफिया को कि आप आइए कब्जा करिए, घर बनाइए। तो ये सांड गांठ है दिल्ली के सबसे बड़े, और ये एनजीटी के सामने है डीमार्केशन का जो मामला है, और लैंड माफिया के बीच में कि आप जितना भी कब्जा करना चाहे कर लीजिए, क्योंकि जितना लैंड यूज डीमार्केट नहीं होता उतना ज्यादा कब्जा कर सकते हैं लोग। और अगर आप डीमार्केट करेंगे फिर आपका एक और बड़ा सवाल आएगा, और ये आपके लिए भी सवाल है, आपकी जो नदियां हैं उसके आसपास क्या आप अलाउ करेंगे, क्या नहीं अलाउ करेंगे, और अगर कुछ नहीं अलाउ करेंगे तो उसको बचा के कैसे रखेंगे, उसका इन्फोर्समेंट कैसे होगा। और इसीलिए जो आर्ट ऑफ लिविंग ने किया वो तो बिल्कुल ही गलत था, क्योंकि वहां पर उन्होंने जिस तरह से स्ट्रक्चर्स बनाए वो कोई जरूरत भी नहीं थी। और वो अगर हम लोग नदी के लिए हमारा कुछ भी फेथ है तो ये नहीं करना चाहिए था। मगर मुझे लगता है जो प्रशासन ने किया वो और भी गलत है, क्योंकि आज भी हम जमीन को डीमार्केट नहीं कर रहे, हम लोग उसका लैंड यूज नहीं डिटर्मन कर रहे, और हम ये नहीं जानते कि हम नदी को बचाएंगे कैसे। तो अगर आर्ट ऑफ लिविंग से ये हम सीख सके तो मुझे लगता है दिल्ली में कुछ हद तक नदी हम बचा पाएंगे। जहां बांधों का सवाल आया, देखिए मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मैं एक दफे पिछली सरकार में एक चतुर्वेदी टीएन चतुर्वेदी नहीं थे बीके चतुर्वेदी बीके चतुर्वेदी प्लानिंग कमीशन वाले ना आपके जो कमेटी थी, मेरा जो एक कमेटी बनी थी जिसके अंदर बांधों का सवाल था, और गंगा के बांधों का सवाल था, गंगा के ऊपर जो बांध बन रहे। मैंने उस कमेटी के सामने तीन चीजें रखी थी जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। अभी वो चीजें अभी मेरा नोट ऑफ डिसेंट जरूर था, और उसके बाद चीजें ऐसी बिगड़ गई हैं, मगर ठीक है, चीजें मैं समझती हूँ। कभी एक चीज आज कहो 10 साल बाद कोई ना कोई मानता तो है, अगर कहते रहो। मैंने तीन चीजें कही थी। एक कहा था कि देखिए बांध हिमालय में चाहिए क्योंकि बिजली चाहिए, और बांध हिमालय के अंदर पेड़ हैं और बांध हैं और उसकी जमीन है, ये तीन चीजें हैं जिसके कारण उसको विकास मिल सकता है। तो ये नहीं कह सकते हम कि बिल्कुल बांध नहीं चाहिए, मगर हमें बांध ऐसे चाहिए कि हम हिमालय का विनाश नहीं करें। जब मेरे सामने जो हमारी कमेटी के सामने जो बांधों के आंकड़े रखे गए थे वो ये थे कि एक बांध खत्म नहीं होगा दूसरा शुरू हो जाएगा, उसको मैं कहती हूँ बम्पर टू बम्पर बांध बन रहे थे वहां पर, क्योंकि जो वो इंजीनियर हैं वो हर रोज दिल्ली के ट्रैफिक जाम में मुझे लगता फंसे रहते हैं, तो हर रोज ट्रैफिक जाम ही देखते हैं, तो वो लोग खाली गाड़ी के सामने का बम्पर देखते हैं, तो इसीलिए उनको लगता है हिमालय भी बम्पर टू बम्पर होना चाहिए। तो एक बांध खत्म नहीं हुआ दूसरा बांध शुरू हो गया, तो मैंने कहा ये थोड़ी कोई होता है। आप ये सोच के चलिए कि कितनी आपको, अगर नदी चाहिए तो नदी के अंदर आपको 50% तो पानी छोड़ना पड़ेगा, हर सीजन में छोड़ना पड़ेगा। तो पहले नदी के पानी की जो जरूरत है उसको पूरा करिए, फिर बांधों की बात करिए, उसके बाद देखिए कि कितने बांध चल सकते हैं अगर आपने 50% इकोलॉजिकल फ्लो छोड़ दिया हर सीजन के अंदर।
इसके अंदर ये होगा कि अगर आप नदी को ही लेके अपने बांध बनाएंगे तो आपका किसी सीजन में जब वर्षा बहुत होती है तो आपका बिजली उत्पादन ज्यादा होगा, और किसी सीजन में जब वर्षा कम होती है, जब सर्दी का सीजन होता है, तो आपका बिजली का उत्पादन कम होगा। तो ये आपको जो आपका टर्बाइन प्लानिंग है, ये आपको प्लान करके चलना पड़ेगा कि मैं ज्यादा टर्बाइन दूंगा बांध के अंदर, क्योंकि मुझे मैक्सिमम एनर्जी चाहिए इन दी हाई डिस्चार्ज सीजन। उसके अंदर कॉस्ट होगा, मगर आज आप कोयला का दाम देते हैं, आप हर किसी रॉ मटेरियल का दाम देते हैं जिससे बिजली बनती है, मगर आप पानी का दाम नहीं देते, आप नदी का दाम नहीं देते। तो ये सोच लीजिए, मैं नदी का दाम दे रहा हूँ इस तरह से, और मैं अपने बांध को ओवर कैपेसिटी बनाऊंगा क्योंकि मुझे नदी को मिमिक करना है। और तीसरी चीज जो मैंने कही वो ये थी कि आप ये सोच के चलिए कि ये जो आप बांध बना रहे हैं, सोच के कि ये स्मॉल इज ब्यूटिफुल, कि बिलो 5 मेगावाट 25 मेगावाट के जो बांध बन रहे हैं ये डिजास्टर हैं। और ये इसलिए डिजास्टर हैं क्योंकि आपने ये सोचा कि ये बिलो 25 के बांध हैं तो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन नहीं चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट परमिशन देगी, तो बांध पे बांध पे बांध पे बांध बन रहे हैं। ये कभी ये नहीं सोचा कि पर्यावरण को कैसे बचाना है, तो वो जो बिलो 25 मेगावाट के डैम है वो इनफैक्ट बड़े बांध से ज्यादा डिजास्टर्स है, क्योंकि आपने इतनी परमिशंस दे दी हैं क्योंकि वो स्टेट के अंदर पावर है और उसकी जो बिजली है वो ग्रिड के अंदर ही फीड हो रही है। अगर आपकी कोई भी पॉलिसी होती तो आप पहले ये कहते कि अगर जो स्मॉल छोटा बांध बन रहा है वो गांव का पहले हक बनेगा उस बिजली के ऊपर, पानी वहां का है, नदी वहां की है, बिजली वहां की है और वो जा रही है मेरे पास दिल्ली में। तो ये तो पॉलिसी बनानी आपके हाथ में है। आज कोयले के अंदर ये पॉलिसी बनी है कि जो, और हिमाचल ने पॉलिसी बनाई है, मैं कोयले की बात क्यों करूं, हिमाचल की बात कर सकती हूं, हिमाचल ने पॉलिसी बनाई है कि पहले बिजली का हक उसके गांव वालों के होगा और बाद का बाद में होगा। हिमाचल ने पॉलिसी बनाई है कि अगर हाइड्रल इलेक्ट्रिसिटी होगी तो पहली बिजली गांव में आएगी और उनका उसका कॉम्पनसेशन भी मिलेगा। तो ये तो आपकी सरकार करेगी, मगर ये बांध का सवाल मुझे लगता है इसको अगर इतना सिंपलिस्टिकली वह नहीं ले कि बांध हो या ना हो, मुझे लगता है बांध की जरूरत है मगर बम्पर टू बम्पर नहीं, और अगर बांध से बिजली है तो पहले गांव में जाए फिर बाद में बाहर जाए। अगर ये पॉलिसी बने तो कौन बांध का, कौन चाहेगा कि बांध नहीं हो। जब तीसरा चौथा पांचवा जो सवाल है वो विकास, और सबसे ज्यादा ये मंकी का जो सवाल है, जो मंकी, ये जो बंदरों का सवाल है, कल जो महिलाओं ने मुझे बताया, मुझे, मैं हिल गई हूँ उसको लेके। मैं आपको सच्ची में बता रही हूँ, जब कुछ महीने पहले मेरे साथियों ने कहा था कि बहुत सुन रहे हैं कि हिमालय में 2 प्रश्न उठ रहे हैं, और अगर आप डाउन टू अर्थ देखते हैं जोशी जी, तो हमने 2 कवर स्टोरी करी हैं, एक करी थी मंकी के ऊपर, मंकी मेनेस के ऊपर, और दूसरी करी थी कि जितना पलायन हो रहा है हिमालय से कि आज हिमालय बिल्कुल खाली होता जा रहा है। मगर जो हमने मंकी के ऊपर स्टोरी करी थी वो मेरे साथी लेके आए थे खबर, और उन्होंने बताया था कि बहुत बुरी हालत है, और हमने फिर उसके बाद ये भी देखा था कि पूरी दुनिया में क्या सबसे अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, क्या कर सकते हैं मंकी पॉपुलेशन को रोकने के लिए। हमने ये भी समझने की कोशिश करी थी कि क्यों मंकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, क्या इसके बीच पीछे भी कोई सवाल है, क्या हो रहा है। मगर जो कल मैंने सुना, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी समस्या है और इसके बारे में कुछ जल्दी करने की जरूरत है। जब हमने स्टोरी करी थी उसके बाद मैंने हर चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को चिट्ठी लिखी थी, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो फॉरेस्ट के इंचार्ज हैं, फॉरेस्ट सेक्रेटरी को भी चिट्ठी लिखी थी कि ये हमने अध्ययन किया है और इससे ये निकल के आया है और कुछ करने की जरूरत है। मेरे पास बहुत चिट्ठियां वापस आई और उनने यही कहा, हाँ जरूर हम भी समझ रहे हैं मगर क्या करें। मुझे लगता है मेनका जी को समझाना पड़ेगा, और मेनका जी बहुत भली हैं और उनको इस चीज़ का बहुत दर्द है, मैं जानती हूँ, मगर उनको भी समझाना पड़ेगा कि ये इससे
आगे का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। और आगे का रास्ता आप कितना भी कह लीजिए कि मैं इसका नसबंदी करूंगा, मैं इनको पकड़ के लाऊंगा, मैं कहीं और छोड़ूंगा, तो यही होगा कि आप जहां अमीर रहते हैं वहां से पकड़ के लाएंगे और जहां गरीब है वहां छोड़ेंगे। ठीक है, यही दिल्ली में हुआ। ठीक है, जहां पर जिसको मैं कहती हूँ लुटायन दिल्ली, उसको ल्यूटन्स दिल्ली कभी नहीं कहना चाहिए, उसको कहना चाहिए लुटायन दिल्ली। लुटायन दिल्ली से सारे जो बंदर थे उठा उठा के जहां पर गरीब दिल्ली के रहते हैं वहां पर छोड़ा गया है। आज वहां अमीर भी आ रहे हैं तो आज फिर अब उठाएगी सवाल उठेगा और वहां से मुझे लग के उठा के वो यही आपके यहाँ लेके आएंगे। ठीक है, ला चुके हैं, मैं जानती हूँ। देखिए यही हो रहा है, मगर ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तीन स्ट्रेटजीज हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास। एक है रिलोकेशन, दूसरा है नसबंदी और तीसरा है सोचना नहीं इसके बारे में। नहीं, हिमाचल में है किया है, खाली हिमाचल में किया है। मगर चौथा है, बिल्कुल सही कहा जोशी जी ने कि चौथा है कि इसको आप जैसे अब वाइल्ड बोर को किया गया है, आपको इसको गवर्नमेंट डिक्लेयर करना पड़ेगा और गवर्नमेंट डिक्लेयर करने के बाद इसको मारना पड़ेगा। अब इसके अंदर फिर सारी श्रद्धा हो जाती है, हनुमान है। मैं कल यही कह रही थी कि हनुमान नहीं है, ये तो वो है बाली। इसको आप हनुमान मत समझिए, इसको बाली समझ लीजिए। मगर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और मैं जानती हूँ दिल्ली के अंदर इसकी बहुत रेजिस्टेंस होगी और यहाँ भी रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि आज जो सबसे बड़ी ट्रेजिडी वो यही है कि जहाँ गरीब है वहीं कचरा भी डालने की कोशिश करते हैं, वहीं हम जानवर भी डालने की कोशिश करते हैं और लाभ हम लेना चाहते हैं। और लास्ट में ईश्वर का सवाल लेना चाहूँगी और ईश्वर का सवाल यही है मुझे लगता है। और नहीं, वो जर्नलिस्ट ने जो टाइम्स ऑफ इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं उनका सवाल तो बहुत ही ज़्यादा पचीदा है। मैं आपसे बाद में बात कर लूँगी, मगर आपने दो सवाल पूछे थे, एजुकेशन का सवाल पूछा था। जहाँ एजुकेशन का सवाल है वो यही है, ये जो सवाल है ये हमारे एजुकेशन तक नहीं पहुँच रहे। हमारा जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है वो आज भी यही है, पेड़ों को बचाओ, मगर ये एजुकेशन नहीं है पेड़ों को काटो, इसको इस्तेमाल करो, फिर से लगाओ। पर्यावरण देश का होना चाहिए, पेड़ों के साथ विकास करो, और उसके लिए पेड़ लगाने भी पड़ेंगे, काटने भी पड़ेंगे और फिर लगाने पड़ेंगे। और लगाने के लिए क्या करना है इसके बारे में हमें सोचना है। काटना ये नहीं करना है कि काटना ही हमने क्राइम बना दिया है। और ये मुझे लगता है लास्ट था ईश्वर का सवाल, कि आज बिल्कुल सही ईश्वर आपने कहा कि ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता जा रहा है कि आज जो हमारे वाइल्ड लाइफ एरियाज हैं वो टूरिज्म के लिए ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं और जो हमारे गरीब हैं उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। ये बहुत दिन तक चलेगा नहीं इस देश के अंदर, और मुझे लगता है जो देश के अमीर हैं, जो अच्छे अमीर भी हैं, जो मैं समझती हूँ जो आज बाघ को बचाना चाहते हैं, क्योंकि उनका वो जानते हैं कि बाघ एक को बचाएंगे तो पूरी दुनिया बचेगी, मगर उस मिडिल क्लास एनवायरमेंटलिस्ट को भी सीखना पड़ेगा कि अगर वो बाघ को बचाएगा मगर गरीब को उसका फायदा नहीं होगा तो वो बाघ नहीं बचने वाला। और अगर ये हम मान लें तो कहीं ना कहीं रास्ता निकालेंगे। रास्ता आसान नहीं है ये भी मैं मानती हूँ, क्योंकि ये बात सही है कि जब कम प्रेशर होता है तो आप उसको संभाल सकते हैं, मगर ये भी आप मान लीजिए कि जो अमीर का जो प्रेशर होता है, जो मेरा प्रेशर होता है पर्यावरण के ऊपर, वो ज़्यादा विनाश करता है, क्योंकि मैं एक एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमी में रहती हूँ, मैं मिनरल्स लाती हूँ, मैं ज़्यादा टिम्बर लाऊंगी, मैं बहुत इस्तेमाल करूँगी, मेरा जो कंजम्पशन है उसका खाली अगर उसका समाधान होगा तो वो यही होगा कि किसी तरह से कचरे के ढेर को इकट्ठा करो फिर उसको साफ करो। मगर देश का पर्यावरण की जो सोच है वो ये होनी चाहिए कि कचरा पहले बने ही नहीं, और जब हम लोग ये ठान लेंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
इलाका है गांव में, हम 50 किलोमीटर पहाड़ों काट रहे हैं। जब हम जानते हैं ये जलोचरी हमारे बहुत कमजोर पहाड़ है, कॉन्टिनेंटल शिप से बना हुआ है, तो 5 किलोमीटर का 50 किलोमीटर रोड क्यों काट रहे हैं, जल्दी भी पहाड़ घुमा रहे हैं। नंबर दो, अगर शुअर हम बढ़ाते हैं शहर पर क्यों मार रहे हैं, जो कंट्रोल शुअर पर शहर ही करता है, उसके बच्चों का खाता बिल में जाके, तो हम शहर क्यों नहीं रहने दिया, हमने मारा भी तो हमने कहीं ना कहीं। और वैसे ही क्या करना है, हमने 5 किलोमीटर 50 किलोमीटर रोड क्यों काट रहे हैं पहाड़ काट के, जलोचरी हमारा सबसे कमजोर पहाड़ है और सबसे देर में बताएं। थोड़ा इसका लोग भी सोचें, केवल सुमिता नारायण सब हम लोग के सोचने की बात है, ये हम लोग इन सब सोचा जरा कि उन्होंने कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हम लोगों के सामने रखे हैं, उनका समाधान आसान नहीं है, ये बहुत पेचीदा मुद्दे हैं, लेकिन हमको इनके ऊपर सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अगर जब तक हम इस पर सोचेंगे नहीं, गंभीरता से नहीं सोचेंगे, हम शायद अपने जो समस्याएं हैं उनसे निजात नहीं पा पाएंगे। आपने बात की मिडिल क्लास एनवायरमेंटलिज्म की, ये एक बुनियादी मुद्दा रखा हमारे सामने कि क्या हम अपनी सोच बाहर से लेंगे या अपने अंदर की सोच विकसित करेंगे, अपने समाज के अंदर से अपनी जो हम अपने परिवेश में देख रहे हैं वहाँ से हम सोच विकसित करें। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, गंभीरता से सोचने वाली बात है। आपने एक और बात कही कि हम लोगों के और जंगल के जो रिश्ते हैं वो किस प्रकार से देखते हैं, जंगल एक तरफ है, लोग एक तरफ है, उनको एक दूसरे से अलग रखना है या उनको जोड़ के रखना, क्या लोगों को जंगल से दूर रखना है तभी जंगलों का संरक्षण होगा, या हम ये मान के चलें कि जब तक लोगों का सहयोग नहीं लेंगे, लोगों को जंगल से जोड़ के नहीं देखेंगे, हम अपने जंगल नहीं बचा पाएंगे। हमारे यहाँ जंगल विल्डरनेस नहीं है, हमारे यहाँ जंगल जो है वो लोगों का हैबिटेट है, ये बहुत बहुत बुनियादी चीज है। मैं इस संदर्भ में एक चीज और कहना चाहता हूँ, जो आज की समस्याएं हैं, क्योंकि मैं उससे प्रभावित हुआ था, आज भी प्रभावित हूँ, आज उसकी कोई बात नहीं करता है। 1971 में एक पुस्तक निकली थी लिमिट्स टू ग्रोथ, उसमें कहा था कि जो भी प्राकृतिक संसाधन है वो कुछ वर्षों में खत्म हो जाएंगे, तब हम क्या करेंगे। आज लोग इसलिए बात नहीं करते क्योंकि उन्होंने जो दिखाया था कि इतने वर्षों में पेट्रोलियम खत्म होगा, इतने वर्षों में आयरन ओर खत्म होगा, वो शायद आज उसकी अवधि बढ़ गई है, लेकिन जो मूल मुद्दा है वो आज भी कायम है कि वो संसाधन बन नहीं रहे हैं, एक बार बने थे कभी कभी, वो हम उनका दोहन कर रहे हैं। कब तक दोहन करते रहेंगे, किस मात्रा में दोहन करते रहेंगे, क्या हम सोच रहे हैं। आज हम पेट्रोलियम से चिंतित नहीं है, पेट्रोलियम के दाम घट रहे हैं हम बहुत खुश हैं, लेकिन कब तक ये रहेगा इस पर आज चिंता नहीं है, जो लिमिट्स टू ग्रोथ ने पहली बार हमारे सामने रखी। एक दो प्रश्नों से आज मैं जूझ रहा हूँ, एक का कुछ जवाब आपने दिया, मैं चाहूंगा कि आप जल्दी अपनी रिपोर्ट हमको दे दें ताकि उससे हम फायदा उठाएं। एक जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, ये मैं जो आज जो काम कर रहा हूँ आजकल चतुर्थ वित्त आयोग में, हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि जो हमारे शहरी निकाय हैं, जोशी जी यहाँ बैठे हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा प्रश्न उनके सामने है और हम उसके लिए हम भी सलूशन ढूंढ रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम केवल पैसा दे सकते हैं वित्त आयोग की तरफ से, लेकिन किस चीज के लिए पैसा दे, प्रश्न यह है कि हम पैसा किस चीज के लिए दें। अल्मोड़ा शहर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए आपके पास कूड़ा निस्तारण के लिए कोई स्थान नहीं है, आपने स्थान मांगा है, आपको मिल गया है जंगलात विभाग से, लेकिन अल्मोड़ा नगर पालिका से कहा जा रहा आप इसके लिए 1,60,00,000 या कितना रुपया आप जमा कीजिए NPVD के तहत, तब आपको ये स्थान मिलेगा। जोशी जी के समस्या है, वो 1,60,00,000 कहाँ से लाए, वो हमारी तरफ देख रहे हैं कि आप हमको 1,60,00,000 दीजिए, हम शायद उनको दे भी देंगे, पर क्या वो उस समस्या का स्थायी हल है या नहीं। आपने जो सवाल उठाए मैं जानना चाहता हूँ कि उसके स्थायी हल क्या हो सकते हैं। कल जब मैं अल्मोड़ा आ रहा था
रास्ते में एक छोटा सा शहर पड़ता है यूपी का, नगीना। नगीना पहुंचने से पहले सड़क के दोनों तरफ कूड़ा बिछा हुआ है। तो नगीना शहर कितना साफ है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन नगीना का पूरा कूड़ा सड़क के दोनों तरफ बिछा हुआ, क्या यही सलूशन हमारे पास है? ये केवल नगीना की समस्या नहीं, कई शहरों की समस्या। तो ये एक बहुत बड़ा, जिसके आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है, मैं आपसे चाहूंगा वो रिपोर्ट आप जल्दी से। मैं बस इतना ऐड करूंगी कि अगर ये आप लैंडफिल की बात कर रहे हैं तो आप इसमें ये सोच लीजिए कि लैंडफिल टैक्स होना चाहिए, और अगर कोई कूड़ा लैंडफिल तक जाता है, अभी हम लोग क्या करते हैं, टिपिंग फी देते हैं कि कूड़ा लेके आओ वहाँ पर वे करके हम पैसा देंगे, उसको उल्टा करिए। अगर कोई कूड़ा लैंडफिल तक जाता है तो उसके ऊपर टैक्स लगाइए। इसी तरह से जोशी जी ये बदलेगा, बदल सकता है। मैं तो काफ़ी, मेरी रिपोर्ट अब अगले महीने निकल आएगी। अगले महीने आप हमको जल्दी से, क्योंकि हमको अपनी रिपोर्ट अगले महीने देनी है। मैं ड्राफ्ट भेजूंगी। अरे दूसरा प्रश्न जिससे मैं जूझ रहा हूँ वो जरा सिद्धांत का प्रश्न है, प्रिंसिपल्स का है, थ्योरी का प्रश्न है। आजकल हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, वहनीय विकास कहिए, सतत विकास कहिए, जो भी कहिए, लेकिन क्या हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक कारगर मेथोडोलॉजी है या नहीं? मेथोडोलॉजी तो वही जो हमको विकास की अर्थशास्त्रियों ने दिया, वही है जो कि एक लीनियर प्रोसेस है जिसका कोई अंत नहीं है। हम भी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं, 7% है, 7.5% है, हम 8 चाहते हैं, 9% चाहते हैं, अमेरिका में 2% या 3% वो भी चाहते हैं, 4%, उसका कोई अंत नहीं है, वो एक लीनियर प्रोसेस है, अनएंडिंग प्रोसेस। सस्टेनेबल क्या इससे होगा या नहीं? मेरा ये मानना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमको जो मेथोडोलॉजी चाहिए वो एक वेब बेस्ड इंटरैक्टिव प्रोसेस, क्योंकि एक विकास का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का समाज से, हमारी संस्कृति से, हमारे कई और उनसे जुड़ा हुआ है। अगर हम उसको समग्र रूप से नहीं देखेंगे तो हम उसके प्रति कोई निजात नहीं पाएंगे। तो वो एक बुनियादी सवाल जो है उस पर आज मुझे नहीं लगता कि कोई काम कर रहा है। ये मेथोडोलॉजी जब तक डेवलप नहीं होगी हम वही फिर 7.5% से 8% पर जाएंगे, 8.5% पर जाएंगे और कूड़ा हमारा बढ़ेगा। मैं सुनीता जी का आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं जिससे कि मुझे प्रभाव किया है कि मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखी। धन्यवाद देता हूँ। आपने व्याख्यान तथा प्रश्नों में भाग लिया और डॉक्टर जोशी को धन्यवाद दूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छी तरह से इसकी अध्यक्षता की और प्रश्नों का लिया, और सबसे ज़्यादा तो सुनीता जी को कि हम लोग सब उन्हीं को सुनने यहाँ पर थे और काफ़ी चर्चा भी हुई, उन्होंने बहुत सारे प्रश्न भी लिए। अब सर चिंतन के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रश्न तो हैं, उत्तर होंगे या नहीं, वही असली चीज़ तो वही है कि जैसे लोग कहते हैं कि हम लोग बात करते हैं और उसके बाद क्या हुआ। तो आप सबको पुनः धन्यवाद करते हुए चाय के लिए हम करते हैं।